Okay. So when you install ThinkOrSwim, this is the setup. This is the default setup that you see. And on the left-hand side, you have on the top account information, which tells you about your financial statement with Ameritrade. उसके नीचे ये लाइव न्यूज का एक गैजेट है उसके बाद एक ट्रेडर टीवी का गैजेट है इफ यू क्लिक प्ले ऑन दिस टू एक्सेप्ट दैट देयर आर अ बंच ऑफ यू कैन सी दैट देयर इज अ स्मॉल टीवी वर्किंग इन द बैकग्राउंड सो दिस यू कैन चेंज चैनल्स सीएनबीसी यूएस यूरोप एशिया फ्यूचर्स नाउ और टीडी अमेरिट्रेड नेटवर्क सो ये यू नो लाइव फाइनेंशियल न्यूज दे आर कमिंग ऑन दिस साइड Then there's a watch list and a quick chart on whatever company, you know, you can put the name of the company or the ticker or symbol of the company and see a quick chart in here. If you want to reset this, you can click on this gear sign at the bottom. Aur yahan pe ye sare jo char gadgets aapko nazar aa rahe the, ye yahan listed hain. Inko cross out kar dein. To ye dekhiye, ye aapki sari space jo hai yahan pe khali ho jayegi. इसमें अगर आपने कुछ ऐड करना है तो प्लस का साइन प्रेस करेंगे यहाँ पे गियर साइन के साथ ही नीचे यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ जाके आप ये मुख्तलिफ गैजेट्स हैं इनको आप ऐड कर सकते हैं कैलकुलेटर हो गया ट्रेडर टीवी हो गया लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वॉच लिस्ट है तो वॉच लिस्ट को जब हमने यहाँ ऐड किया तो ये एक डिफॉल्ट वॉच लिस्ट जो है यहाँ आ जाती है लेकिन आप अपनी पर्सनल लिस्ट भी बना सकते हैं लेकिन एक जो पब्लिक लिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं डाउ जोन्स की खास तौर पे आई प्रेफर कीपिंग अ ट्रैक ऑन डाउ जोन्स इंडेक्स ये भी हमने बात करी थी लास्ट वीक के डाउ जोन्स जो है बेसिकली अ लिस्ट एनीबडी कैन हैव अ लिस्ट यू नो मैं अगर अपनी कुछ कंपनियों की लिस्ट बना के शेयर करना चाहूँ तो वो नवीद्स इंडेक्स बन जाएगा आप शेयर करना चाहें तो आपका एक वो इंडेक्स बन जाएगा तो इंडेक्स इज बेसिकली जैसे किताब के शुरू में इंडेक्स होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स उसी तरह की एक सिचुएशन है ये बेसिकली तो इस ये लिस्ट जो है इट जस्ट टेल्स यू के इस लिस्ट में ये कंपनीज हैं तो डाउ जोन्स जो है ये तकरीबन 100 साल पुरानी लिस्ट है इसमें कंपनियां ऐड भी होती हैं ड्रॉप भी हो जाती हैं लेकिन किसी भी वक्त 30 से ज्यादा कंपनीज नहीं होती तो 30 इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर देम और इवन दो 30 जो है बहुत छोटा सा सबसेट है ओवरऑल यू नो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज जो स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड होती हैं लेकिन यूजुअली कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिनकी प्राइस को अगर आप ट्रैक करें तो वो आपको ओवरऑल मार्केट की बहुत अच्छी सिचुएशन कैप्चर करके बताती है सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वॉच लिस्ट यू कैन हैव मल्टीपल वॉच लिस्ट्स हियर तो एक वॉच लिस्ट थी यहाँ पे गए यहाँ पे आप इसको अपने पर्सनल बनाना चाहें जिनमें ऐसी कंपनीज को आप ट्रैक करें जो ऊपर यहाँ डाउ जोन्स इंडेक्स में नहीं थी तो दैट कैन ऑल्सो बी डन इन दिस एरिया ऑफकोर्स एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लाइव न्यूज़ की है जैसे जैसे ये लाइव न्यूज आती हैं तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनके ऊपर भी नज़र रखें कि कौन सी कंपनीज के बारे में बात आ रही है कैसे बात आ रही है उन कंपनियों के बारे में तो ये तो बात हो गई इसके लेफ्ट साइड पैनल की जो राइट साइड का बड़ा इलाका है इस इलाके के अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए तो यहाँ मॉनिटर का टैब है ट्रेड एनालाइज स्कैन मार्केट watch or chart tools education and help so chart ka tools jo hai this is very important ye sabse important tool samjha jata hai ab yahan pe agar dekhen jo ye flexible grid istemal hua yahan pe chart ke tab ke andar ye teen sub tabs hain charts flexible charts product depth to agar hum chart pe chale jaye to ek to tarika ye hai ki yahan pe aap कंपनी का नाम या कंपनी का टिकर टाइप करके आप उनको सर्च कर सकते हैं कंपनी को और अगर आप यहाँ पे ना भी डालना चाहें जैसे अगर आपकी वॉच लिस्ट में कोई चीज मौजूद है आपने उसको चेक करना है इसको यहाँ से पकड़ के
ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो यहाँ पे उसका मेन चार्ट खुल जाएगा। नीचे इस सेक्शन के अंदर उसका वॉल्यूम दिखा रहा है, वॉल्यूम का मतलब है कि कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है, कितनी खरीदो फरोख्त हो रही है, तो दैट इज शोइंग इन द बॉटम। जब ये ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम हायर है कंपेयर टू ये टाइम पीरियड, जो इस टाइम पीरियड में वॉल्यूम बहुत कम था। जब वॉल्यूम कम होता है तो जो प्राइस यहाँ पे आपको नजर आ रही होती है इस स्टॉक की, उस प्राइस का मिलना खरीदते हुए या बेचते हुए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, लोग बहुत ज्यादा खरीदने और बेचने वाले नहीं बैठे। तो अगर वॉल्यूम हाई आ रहा हो और आपने मार्केट ऑर्डर लगाया हो तो आपको चांसेस हैं कि आपको बहुत करीब इस प्राइस के करीब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको एग्जैक्टली यही प्राइस चाहिए या कोई और स्पेसिफिक प्राइस चाहिए, जैसे बोइंग की अभी इसी वक्त 187.88 चल रही है, आपको एग्जैक्टली यही चाहिए या इससे कुछ कम पे चाहिए, तो देन यू डू अ लिमिट ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे लगाते हैं, राइट क्लिक करें किसी भी इलाके इस पूरे विंडो के अंदर कहीं पे भी और यहाँ पे जाके बाय का बटन पुश करें तो ये एक ऑर्डर कॉन्फर्मेशन विंडो खुल जाएगी। इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे मेक श्योर करें कि आप क्या करना चाह रहे थे, जो भी आप करना चाह रहे हैं, आप 100 शेयर खरीदना चाह रहे हैं, 200 करना चाह रहे हैं, जो भी, यहाँ पे आप अपने ऑर्डर को कंफर्म करें। उसके बाद आप अगर लिमिट ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं, लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपको कोई स्पेसिफिक प्राइस चाहिए, मसलन आप इसको खरीदना चाहते हैं लेकिन आप उसको जब खरीदना चाहते हैं जब इसकी कीमत 182 पे आ जाए, $182 पे जब इसकी कीमत आ जाए, अभी इस वक्त 187.88 चल रही है, जब 182 पे आए तो इसके 50 शेयर खरीद लें, ठीक है, अगर मैं इस तरह से इसका ऑर्डर लगाना चाहता हूं तो ये मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया $182 का बोइंग का, और कितने दिनों के लिए, आज सिर्फ आज के दिन के लिए डे ट्रेड करने के लिए या गुड टिल कैंसिल। गुड टिल कैंसिल जो है अगले 2 महीने के लिए ये ऑर्डर एक्टिव रहेगा, जब भी किसी भी वक्त अगले 2 महीने के अंदर अगर इसकी प्राइस $182 पे आ गई तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा गुड टिल कैंसिल की सूरत में। एक्सटेंडेड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एक्सटेंडेड जो होता है ये बेसिकली ये EXT जो है प्री मार्केट और आफ्टर मार्केट में भी आपका ऑर्डर एक्टिव रहता है। अगर आप डे का करेंगे तो डे का मतलब ये कि सिर्फ 9:30 से लेके 4 बजे तक ऑर्डर एक्टिव होगा। गुड टिल कैंसिल करेंगे तो भी सिर्फ 9:30 टू 4 o'clock एक्टिव विल रिमेन, द ऑर्डर विल रिमेन एक्टिव, लेकिन अगले 60 days के लिए, 2 महीनों के लिए एक्टिव होगा ये। अगर आप EXT करेंगे तो EXT का मतलब है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक किसी भी वक्त, यानी प्री मार्केट और आफ्टर मार्केट आवर्स में भी अगर वो प्राइस आपको मिल जाती है, ये जो आपने यहाँ सेट करी है, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक दिन के लिए है। अगर आप चाहते हैं इसको गुड टिल कैंसिल अगले 2 महीने के लिए ये ऑर्डर एक्टिव रहे और इवनिंग प्री मार्केट और आफ्टर मार्केट में भी ये एक्टिव रहे, तो फिर गुड टिल कैंसिल एक्सटेंडेड आवर्स, तो फिर आपको ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं ये 12 बजे से पहले पहले अगर ये कीमत मिलती है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, वरना कैंसिल कर दें इस ऑर्डर को, तो फिर AM सेलेक्ट कर लें। अगर 12 बजे के बाद आप इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो PM सेलेक्ट कर लें। तो दीज आर डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे। लेट्स से आई सेलेक्ट दिस डे ऑर्डर फॉर $182 एंड आई पुश कंफर्म एंड सेंड। जब ये कॉन्फर्मेशन विंडो खुलती है तो इसमें हमेशा पहली लाइन को बहुत गौर से पढ़ें, अक्सर गलती हो जाती है, बाज़ोकात ये यहाँ पे नीचे नंबर जो है इसका नंबर तरह से नजर नहीं आ रहा होता, तो उसकी वजह से लोग गलती कर बैठते हैं, एक ऑर्डर पुश करना चाह रहे हैं और 100 ऑर्डर पुश हो जाते हैं, 100 का ऑर्डर पुश हो जाता है, यू नो, तो दो टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स आर वेरी कॉमन। तो इस लाइन को पढ़ना जरूरी है कि मैं क्या करना चाह रहा था, आई वॉन्टेड टू बाय 50 शेयर्स ऑफ बोइंग at $182 as a limit order, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ कन्फर्म कर लिया तो यहाँ से फिर मैं उसको इस ऑर्डर को सेंड कर सकता हूँ। जब ये ऑर्डर सेंड किया है तो ये ऑर्डर अब वर्किंग ऑर्डर, तो मॉनिटर के टैब में जाएं, मॉनिटर के टैब में
ऑर्डर हिस्ट्री, ऑर्डर हिस्ट्री जब करेंगे तो ये देखिए, ये जो ऑर्डर मेरा मैंने अभी लगाया यहाँ पे, तो स्टेटस के अंदर यह नजर आ रहा है कि ये वर्किंग ऑर्डर है। वर्किंग ऑर्डर क्यों है? क्योंकि मैंने उसकी प्राइस 182 लगाई थी, जबकि मार्केट प्राइस जो है उसकी 187-188 चल रही है। तो ये ऑर्डर आज के दिन के लिए 182 का इंतजार करेगा। जब 182 की कीमत मिल जाएगी तो ये उसको जाके खरीद लेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा। जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये फिर अकाउंट समरी के अंदर भी नीचे आ जाएगा, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में भी आ सकता है, इक्विटीज के अंदर भी आ जाएगा। इक्विटीज का मतलब है कि आपकी इक्विटी कहाँ कहाँ है, आपके पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुआ हुआ है। इसी तरह से अगर आपने किसी स्टॉक को बेचना है, अगर मेरे पास ऑलरेडी बोइंग मौजूद है, आई कैन राइट क्लिक अगेन एंड सेल, और सेल में लेट्स से फिर वही एडिट करना होगा ताकि डिटेल्ड टैब नजर आए। लेट्स से मुझे 100 शेयर बेचने हैं इसके, लेकिन मैं लिमिट प्राइस के साथ बेच रहा हूँ, और मुझे कब बेचने हैं? जब इसकी कीमत कम अज कम 195 पे पहुंचे, ठीक है? और कब? सिर्फ आज के लिए या अगले 60 डेज के लिए, यू नो, ये ऑर्डर आप इस तरह से लगा के सेल, कंफर्म एंड सेंड, और फिर इसको दोबारा यहाँ पे पढ़िए, सेल 100 शेयर्स ऑफ बोइंग एट 195 लिमिट ऑर्डर एंड सेंड। अच्छा, अब लेट्स से आपके पास यहाँ पे ऑर्डर, आपके पास स्टॉक नहीं, ये तो मेरे पास तो रखे हुए थे ना, मेरे पास 396 स्टॉक्स मौजूद हैं बोइंग के, तो उनमें से अगर मैंने 100 शेयर्स को बेचना है तो दैट्स नॉट अ बिग डील, राइट? क्योंकि मैंने खरीदे हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास खरीदे हुए ना हो और आप बेचना चाहें किसी चीज को, तो फिर क्या होगा? उसके लिए लेट मी आस्क जमान, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्या हुआ था आपके साथ मंडे को? जमान जी, हुआ ये था कि मैंने जब बाय कर लिए थे तो मेरे पास वो थे नहीं एक्चुअली, तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि वो माइनस में यहाँ पे शो हो रहे थे मेरे पास, ठीक है, तो फिर दोबारा मैंने बाय किए हैं उसको। तो पहले तो मैं परेशान हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा बाय किए हैं, और फिर मैंने उस प्राइस, जिस प्राइस पे मैंने लिए थे उस पर जब वो प्राइस कम किए तो तब मैंने वो उठा लिए, वो मैंने लिमिट का ऑप्शन लगा के तो वो मैंने उठा लिए हैं, और वो इस तरह जो जिसको मैंने देने थे तो इस तरह वो पूरे हो जाते हैं। तो जो आपने बात कही थी कि इस तरह आटा अगर आपके पास नहीं है और एक आदमी आता है वो लेना चाह रहा है तो वो आपको पैसे दे जाता है लेकिन आपकी शॉप पे मौजूद नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास वो चीज थी नहीं लेकिन मैंने वो परचेज कर लिए, बेच दिए मेरे पास एक्चुअली थे नहीं, ठीक है। तो मसलन IBM का शेयर यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे IBM की आपको सिचुएशन नजर आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे एक्विटीज के अंदर, मेरी स्टेटमेंट के अंदर मेरे पास नहीं है ये मॉल, मैंने नहीं खरीदा हुआ ये IBM, मैंने नहीं खरीदा हुआ, राइट? तो चार्ट्स पे जाके मैं गया और मैं उसको बेच रहा हूँ, आई डोंट हैव इट बट आई एम सेलिंग इट, राइट? तो क्या होगा? 100 शेयर IBM के बेच दें लिमिट ऑर्डर से, ठीक है? तो अभी IBM की कीमत जो है 119 चल रही है, तो अगर मैं बेचना चाह रहा हूँ तो मुझे इससे हायर कीमत पे बेचना चाहिए ना, अगर लिमिट लगा के करूँ। अगर मार्केट ऑर्डर करूंगा तो ये इस प्राइस के ऊपर जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, तो ये कैसे हुआ? एक चीज आपके पास है ही नहीं और आपने ऑर्डर लगाया और वो बिक गई, तो इस चीज को कहते हैं कहते हैं शॉर्टिंग, शॉर्ट पोजिशन, ठीक है? शॉर्ट पोजिशन, तो दो तरह की पोजिशन होती है, एक होती है लॉन्ग पोजिशन, दूसरी शॉर्ट पोजिशन। तो शॉर्ट पोजिशन के अंदर मतलब ये होता है कि आप कोई चीज ऐसे बेच रहे हैं कि जिसकी कीमत आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ड्रॉप हो जाएगी, कीमत जो है कम हो जाएगी फ्यूचर में। तो आज आपने महंगे दामों से बेच दिया और आपको उम्मीद ये है कि इसकी कीमत अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में कम हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो आपने जब बेचा तो आपने बेसिकली इस प्लेटफॉर्म से, TD Ameritrade से आपने उधार ये लिए हैं, ये 100 शेयर उधार ले रहे हैं। तो जब आपने ये उधार लेके बेच दिए तो अब आपको खरीदने भी हैं, खरीद के ये TD Ameritrade को वापस भी करने होंगे एट सम पॉइंट। तो अगर तो इसकी कीमत
कम हो जाती है जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था और आपको सस्ते दामों ये मिल जाते हैं, आपने महंगे दामों बेच दिए, सस्ते दामों खरीदने का मौका मिल गया, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इसकी कीमत ऊपर चली जाती है, ठीक है मैंने आज 119 पे बेच दिए और कल को ये कीमत 105 पे चली गई तो और मैंने खरीद के वापस कर दिए अमेरिट्रेड को, तो मैंने तकरीबन $14 पर शेयर बना लिए, राइट। लेकिन अगर इसकी कीमत ऊपर चली गई, अगर ये 130 पे पहुंच गया, तो फिर मेरा $11 पर शेयर नुकसान हो, क्योंकि अब मुझे महंगे दामों खरीदने पड़ेंगे, मैंने सस्ते बेच दिए थे, अब मुझे महंगे खरीदने पड़े, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट पोजिशन। शॉर्ट पोजिशन में आप क्या करते हैं, आप चीज को पहले बेच देते हैं और अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी कीमत गिर जाएगी। दूसरी जो होती है वो लॉन्ग पोजिशन होती है। लॉन्ग पोजिशन क्या होती है, जब आप रेगुलरली चीजें खरीद रहे हैं, कि पहले आपने खरीदे, खरीदने के बाद आपने उसको बेचा, तो दैट्स कॉल्ड अ लॉन्ग पोजिशन। तो पर्सनली मेरे ख्याल में शॉर्ट पोजिशन जो है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग पोजिशन में, लेट्स से आपने हेबा, अगर आपने कोई चीज $19 पे खरीदी है, ठीक है जैसे IBM का $119 पे खरीदा है शेयर, आप ज्यादा नुकसान आपका कितना हो सकता है? $119, राइट? कि अगर IBM की कीमत बिल्कुल इसके शेयर की कीमत जीरो पे चली जाए, तो आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो $119 का हो सकता है, राइट? लेकिन अगर आपने इसको शॉर्ट किया है, ठीक है आपने शॉर्ट करके बेच दिया इसे, अब आप वेट कर रहे हैं कि इसकी कीमत नीचे आएगी, लेकिन नीचे आने की बजाय वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है, तो कितना नुकसान पॉसिबल है, कितनी ऊपर जा सकती है ये कीमत? आप जितना उसको सेल करेंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है, राइट? जब ये ऊपर जाने लगेगा तो कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ये $200 पे भी जा सकता है, ये $400 पे भी जा सकता है, ये $1,000 पे भी जा सकता है IBM का शेयर, राइट? आपने 119 के बेच दिए 100 शेयर्स, अगर इसकी कीमत $300 पे चली जाती है किसी वक्त, तो आपका नुकसान कितना है? आपके नुकसान की कोई लिमिट नहीं है, आपके अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है। तो इसलिए शॉर्टिंग शॉर्टिंग जो है नहीं करनी चाहिए, कभी भी शेयर बेचना नहीं चाहिए जब तक आपके पास ऑलरेडी खरीदा हुआ वो ना हो। दूसरा एक और नुकसान क्या होता है कि जब आप उधार ले रहे हैं, आपने उधार लिया ना, ये अगर ये मैं इस सूरत में बेच दूं तो मैंने उधार लिया ना, तो जब आप उधार लेते हैं तो क्या होता है रहमा, जब आप किसी से उधार लेते हैं तो क्या होता है? उधार क्या आपको फ्री में मिलता है? वापस देना होता उसको कुछ टाइम बाद। वापस भी देना होता, और सिर्फ वापस नहीं देना होता, बल्कि उसके साथ कोई ना कोई सूद टाइप चीज भी अटैच्ड होगी। हाँ जी, जाहिर सी बात है। तो एक तो ये कि अगर आपने शॉर्ट इस नियत से किया है कि मैं 2 महीने से शॉर्ट करके रखूं, 2 महीने में इसकी कीमत कम हो जाएगी, तो वो और भी ज्यादा खतरे की बात है कि आपको नहीं पता कि 2 महीने में क्या होगा, और उन 2 महीनों में आप उसके ऊपर सूद जो है वो भी पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए। ओके। अब गलती से अगर कभी हो जाती है, जो कि जिसके चांसेस हैं कि आप अपनी तरफ से समझ रहे हो कि आपने एक लेट से लिमिट ऑर्डर लगाया, जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया बोइंग का 100 बेचने, राइट, और लेट से 100 खरीदने का भी लगाया, लेकिन जो बेचने वाला है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाता है और खरीदने वाला कभी भी एग्जीक्यूट ना हुआ, तो मैं शॉर्ट करके बैठ गया हूँ अभी यहाँ पे, तो वो गलती से हुआ है, दैट वाज नॉट माय इंटेंट, राइट। अच्छा, अभी मैं तो आई एम ओके विद दिस, बिकॉज मेरे पास तो ऑलरेडी बोइंग के
कितने 396 शेयर्स मौजूद है मेरे पास, तो अगर ये एग्जीक्यूट पहले हो जाता है बिकने वाला 195 पे जाके, तो मुझे मसला नहीं है क्योंकि उस 396 में से बिकेंगे, राइट? तो इस तरह के ऑर्डर, बाय और सेल के ऑर्डर आप लगा सकते हैं, लेकिन लगाते हुए भी एहतियात के साथ सोच के कि क्या आपके पास उतना स्टॉक मौजूद भी है या नहीं है, ठीक है? तो ये बेसिक्स हैं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के। आप इस जब आपको ये बाय और सेल की चीजें समझ आ जाएं, तो अगली जो चीज रह जाती है वो बेसिकली एनालिसिस की रह जाती है कि आपको ये तो पता चल गया कि शेयर खरीदना कैसे है, शेयर बेचना कैसे है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा शेयर खरीदना है, कब खरीदना है, उसकी एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, कितना प्रॉफिट आप बना लें तो उस पे निकलने की निकल जाना चाहिए, इस चीज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई कम बैक टू दैट रिसर्च एंड एनालिसिस पार्ट। मैंने ये लिंक आपके साथ अभी शेयर किया है आज सुबह। देयर इज दिस बिफोर द बेल, ये एक न्यूज़लेटर है, CNN बिजनेस से आता है, हर सुबह आता है, और ये सुबह आई थिंक 8-8:30 बजे तक ये डिलीवर हो, बाजू का थोड़ा जल्दी भी आ जाता है। इस न्यूज़लेटर को पढ़ लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आज की जो न्यूज है इस न्यूज़ लेटर की वो ये है कि गोल्ड प्राइसेस स्पाइक टू हाईएस्ट लेवल इन नियरली 8 years। तो सबसे ज्यादा हाई चल रही है इस वक्त गोल्ड की प्राइस, कहां तक पहुंच चुकी है उसको अभी जाके नीचे देखेंगे। फिर इसी तरह से मार्केट्स आर सेंसिटिव टू व्हाट हैपेंस इन वॉशिंगटन, हियर इज द प्रूफ। उसके बाद जेपी मॉर्गन थिंक्स इट्स टाइम फॉर इन्वेस्टर्स टू बी मोर सिलेक्टिव। अच्छा, तो जब ये ईमेल में आता है तो ईमेल में इस तरह से ये खुलता है, ये देखिए, गुड मॉर्निंग, इन टुडेज न्यूज़लेटर गोल्ड प्राइसेस शो सम इन्वेस्टर्स आर गेटिंग नर्वस अबाउट सर्जेस इन कोरोना वायरस इन्फेक्शंस प्लस क्राइसिस फेसिंग अमेरिकाज शेल इंडस्ट्री एंड व्हाई बैंक ऑफ अमेरिका थिंक्स इन्वेस्टर्स मे वांट टू ट्रीट ब्रिटिश पाउंड लाइक एन इमर्जिंग मार्केट करेंसी। तो ये उसकी हाईलाइट आ गई। अब इन हाईलाइट्स को नीचे डिटेल में जाके भी पढ़ेंगे, लेकिन जब आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको ये खाली न्यूज पढ़ते ही, ये लाइन पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। तो ये पहला सेंटेंस है, ये तो क्लियर है, राइट, कि गोल्ड प्राइसेस जो है वो हायर जा रही है। उसके बाद क्राइसिस फेसिंग अमेरिका शेल इंडस्ट्री, शेल इंडस्ट्री क्या चीज है? शेल इंडस्ट्री इज बेसिकली ऑयल इंडस्ट्री। ये ऑयल को निकालने का तरीका मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ होता है। तो कई जगह ऐसी होती हैं कि आपने बस एक कुआं खोदा और उसके अंदर एक पंप लगाया और ऑयल बहना शुरू हो जाता है। लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं कि ऑयल जो है वो रेत के अंदर या पत्थरों के अंदर इतना मिक्स हुआ होता है कि ऑयल को अलग से निकालना आसान नहीं होता। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक मेथड होता है फ्रैकिंग। फ्रैकिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। वो फ्रैकिंग के अंदर क्या करते हैं कि उन पत्थरों के ऊपर बहुत जोर का पानी से या हवा से प्रेशर डालते हैं। तो वो प्रेशर इतना होता है कि ऑयल जो है स्क्वीज होके उन पत्थरों से, चट्टानों से और रेत से बाहर आ जाता है, जो फिर पंपेबल होता है। तो बहुत एक्सपेंसिव मेथड होता है ये इसको निकालने का। ये सिर्फ उस सूरत में सक्सेसफुल होता है, प्रॉफिटेबल होता है, अगर ऑयल की प्राइस जो है $50 पर बैरल से ज्यादा हो। तो आजकल की जैसे 35-40 डॉलर के दरमियान कीमत चल रही है ऑयल की, तो ये लोग सब शेल इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी बहुत प्रॉब्लम्स में है, क्योंकि उनके खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे। तो ये इस लाइन का मतलब, अब डिटेल जाके और नीचे जाके देखेंगे, लेकिन ये कि फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि खाली ये लाइन देखते ही आपको क्या पता चल जाना चाहिए कि शेल इंडस्ट्री क्या चीज है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, और क्राइसिस जो है उसका क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर। इसी तरह से
बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो लोग कह रहे हैं कि ब्रिटिश पाउंड को इमर्जिंग मार्केट की करेंसी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रिटिश पाउंड जो है आपको पता है कि काफी स्टेबल करेंसी समझी जाती है, राइट, जैसे यूएस डॉलर है उसी तरह से ब्रिटिश पाउंड। लेकिन रिसेंटली ब्रिटिश पाउंड की कीमत इतनी फ्लक्चुएट हो रही है कि बैंक ऑफ अमेरिका के लोग जो है, इन्वेस्टर्स जो, वो ये कह रहे हैं कि इसको सेकेंड वर्ल्ड कंट्री की तरह ट्रीट करें, इसको ये अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरह नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ डॉलर। और उसका प्रूफ क्या है कि जैसे ब्रिटिश इकॉनमी जो है वो श्रिंक हो रही है और उसका साइज कम होता जा, इसी तरह से उसकी जो ब्रिटिश पाउंड है उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती जा रही है। और अगर कोई करेंसी स्टेबल नहीं है तो उस तरह की करेंसीज में स्टेबल उस तरह की करेंसीज में डील करना जो है, कोई प्रोडक्ट्स खरीदना बेचना रिस्की हो जाता है। तो बेसिकली दे आर सेइंग कि ब्रिटिश पाउंड को छोड़ दें, उसको डिच कर दें। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए तो व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ, डाउस फ्यूचर्स आर डाउन, S&P इज डाउन, नैसडेक इज डाउन, SEOX इज डाउन, सो ऑल ऑफ दीज आर डाउन एक्सेप्ट फॉर US 10 ईयर यील्ड। 10 ईयर यील्ड ये ट्रेजरी के बॉन्ड्स होते हैं, और गोल्ड जो है वो ऊपर है। कितना ऊपर है? 1776 डॉलर पर आउंस गोल्ड इस वक्त चल रहा है, और US ऑयल जो है 3963 पर बैरल चल रहा है इस वक्त। सो नीचे आए तो फिर उसकी मजीद डिटेल आती है। इन्वेस्टर्स आर गेटिंग जिटरी अबाउट सर्जिंग वायरस इन्फेक्शंस। तो यहाँ पे US में खास तौर पे US, जर्मनी और चाइना, उसके अलावा लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, इन सब इलाकों के अंदर बहुत तेजी से कोरोना वायरस के केसेस जो बढ़ रहे हैं। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। मेरे खुद कई जानने वाले जो हैं उनके मुसलसल आ रहे हैं कि या इंतकाल हो चुका है उनकी फैमिली मेंबर्स का, या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वायरस इस वक्त। सो दिस इज अ वेरी कंसर्निंग सिचुएशन, और उसका काफी इम्पैक्ट होता है मार्केट्स के ऊपर। इसी तरह से अनदर गोल्ड रश, गोल्ड जो है वो June 24 आज सुबह 7 AM पे 1776 पे ट्रेड कर रहा था। इस वक्त क्या सिचुएशन है आपको मैंने वो बताया हुआ है लिंक, money.cnn.com/data/afterhours, उस पे अगर आप जाएंगे तो नीचे यहाँ जाके अगर देखें तो गोल्ड इस वक्त जो है 1779 डॉलर्स पे पहुंच चुका है। यानी बिटवीन ये जो जब ये न्यूज आई है उससे भी $3 और ऊपर चला गया गोल्ड। अच्छा, फिर यहाँ पे जर्मनी का DAX स्टॉक मार्केट जो है फेल मोर देन 2%। उसके अलावा अगर नीचे आए अगर इसमें तो शेल इंडस्ट्री, ठीक है, शेल इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है कि ये तरीका जो, ये ऑयल को निकालने का मेथड जो था ये आज तकरीबन 15 साल पहले का है, ये कोई बहुत ज्यादा पुराना तरीका नहीं है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि डिप्रेस्ड क्रूड प्राइसेस, मैसिव पाइल्स ऑफ डेट एंड कैपिटल फ्लाइट अवे। तो क्या हो रहा है कि बहुत उधार लिए, उन उधारों के ऊपर सूद उनका जो है वो चढ़ता जा रहा है, और जो कैपिटल जो है, जो पैसे जो है, मतलब ये जो स्टॉक होल्डर्स है वो शेल कंपनीज के स्टॉक्स को बेच के भाग रहे हैं। तो सेट ऑफ अ टाइडल वेव ऑफ बैंक्रप्सीज। तो दे आर एक्सपेक्टिंग के 30%, 9:30 हो गए, मार्केट अब खुल गई है, 30% ऑफ US शेल ऑपरेटर्स आर टेक्निकली इनसॉल्वेंट एट 35%। 35% ऑफ बैरल की कीमत पे टेक्निकली उनको कोई पैसे नहीं बन रहे हैं, वो उल्टा उनका खर्चा ज्यादा हो रहा है पर बैरल ऑयल निकालने का जितना उनको मार्केट में मिल रहा है। तो उसकी वजह से कुछ अरसे तक, कुछ महीने तो वो गुजारा कर सकते थे, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि जिसमें हो सकता है कि इनकी बैंक्रप्सीज शुरू हो जाएं। तो अगर उनकी बैंक्रप्सीज शुरू होंगी तो ऑयल के ऊपर उसका भी काफी कीमत पे काफी उसका प्रेशर पड़ेगा। तो दिस इज अ गुड। अच्छा, इसी तरह से ये जो पाउंड इफेक्टिवली एन इमर्जिंग मार्केट करेंसी, ब्रिटिश पाउंड इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज इन द वर्ल्ड, बट एरेटिक प्राइस मूवमेंट्स एंड परसिस्टेंट वीकनेस आर
causing some investors to rethink its standing in financial markets. के वो जो erratic price movement है के अचानक से ऊपर चली जाती है, अचानक से नीचे आ जाती है, और persistent weakness, that is not a good sign for a first class currency. तो यहाँ पे वो उसका court के we believe the pound is in the process of evolving into a currency that resembles the underlying reality of British economy, small and shrinking. ठीक है, you know के British ब्रिटेन जो है इट्स अ स्मॉल कंट्री राइट, और फिर वो यूरो जोन से भी निकल गया तो उसकी इकॉनमी जो है और ज्यादा छोटी हो गई है और श्रिंकिंग हो रही है. तो बेसिकली दिस इज व्हाट्स हैपनिंग टू द करेंसी एज वेल. ओके, तो अब उसका पाकिस्तानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ब्रिटिश पाउंड जो है कमजोर होता है तो क्या इम्पैक्ट होगा? यार मोहम्मद, व्हाट डू यू थिंक? Can you please repeat your question? मैंने कहा अगर ब्रिटिश पाउंड मजीद कमजोर होता है तो पाकिस्तानियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है पाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो मेरे ख्याल में वो इफेक्ट करेगा पाकिस्तान के हवाले से भी, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इंग्लैंड में हैं, तो वो जब पैसे भेजेंगे तो उनको कम अमाउंट मिलेगी. राइट, तो दैट इज आल्सो एन इंपैक्ट. ठीक है, ओके. सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ये जो ये बिफोर द बेल CNN का जो न्यूज लेटर है, मैंने लिंक उसका शेयर किया था चैट विंडो में, वहां से लेके सब्सक्राइब टू दिस एंड रीड दिस, यू नो, डू नॉट ट्रीट इट लाइक अ जंक मेल, उसे एक्चुअली आप इस्तेमाल करें. ओके, लेट्स गेट बैक टू द मार्केट्स. मैंने ये आपको दिखाया था कि इसको कैसे पढ़ना है, तो आई नीड अ वॉलंटियर जो मुझे ये पढ़ के सुनाए. राहिल, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? राहिल, गो अहेड. जी इस्लाम, यू वांट मी टू रीड द शेयर प्राइसेस हियर? नो, आई वांट यू टू रीड दिस आफ्टर आवर्स और प्री मार्केट सिचुएशन. कैसे आप पढ़ेंगे इसको? इन नंबर्स का क्या मतलब है? ये 9:16 के हैं, राइट? मार्केट कितने बजे खुलती है? 9:30 पे खुलती है, राइट? तो ये आपको मार्केट खुलने से कुछ 14 मिनट पहले ये डेटा मिल गया. Sure. ठीक है, तो अब मार्केट खुलने से पहले आप अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, तो ये आपको क्या बता रहे हैं कि आज मार्केट के साथ क्या एक्सपेक्टेशन है? ये तो ट्रेंड बता रहा है डाउन का. हाँ, तो ओके, कोई और ट्राई करना चाहता है इसे जिस तरह से मैंने बताया था कैसे पढ़ते हैं? I think this is pre hours and post hours marketing price, right? Shares price. US stock futures. No, not the pre hours and post hours. Okay. चलें, आज मैं दोबारा आपको read it the way that you read it. Yeah, go ahead. It's US stock futures S&P -20.75-0.67%. Level is 3097.75. Fair value is 3,119.92. Difference is -22.17. इसका मतलब क्या है? What does it mean? It's saying that it's going down. इसके जो different trade हो रहे हैं. हाँ, तो कि you can expect कि आज market जो है शायद कुछ नीचे की तरफ जाए, right? नीचे की तरफ. ये number जितना बड़ा होगा उतना आपका confidence जो है analysis के अंदर बढ़ सकता है. अगर ये number 200 का होता है, कि 200 point down है S&P, तो आपको पता होता है कि जब मार्केट खुलेगी
तो उसको मार्केट को इसको रिकवर करना आसान नहीं होगा, राइट? तो प्राइसेस जो है डिप्रेस रहेंगी. तो S&P जो है, S&P क्या चीज है? स्टैंडर्ड्स एंड फोर्स. या बट व्हाट इज इट? दैट कैलकुलेट मार्केट इंडेक्स. It's an index. It's an index, right? It's a list of companies. Yes. S&P is list of companies. It's not a stock market, right? It's not a stock market. It's an index. It's an index. तो उस इंडेक्स में जो कंपनीज शामिल हैं, उनकी उनकी वेटेड एवरेज जो है वो यूजली कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज होती है. एवरेज का पता है ना, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? Yes. Many numbers add up and then. सारे नंबर्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कंपनीज, राइट? तो वो yes. वो तो होगी एवरेज. लेकिन ये खाली एवरेज नहीं है, ये वेटेड एवरेज है. डिफरेंट कंपनीज कि कुछ चीजों को आप ज्यादा वेट देते हैं, कुछ को कम देते हैं. तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड एवरेज है. तो जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होती है, उसकी उसका वेट भी ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये उसकी बेसिस पे नेगेटिव 20. तो नेगेटिव 20 पॉइंट्स अब कुछ भी हो सकते हैं. यानी ये मार्केट नीचे भी जा सकती है, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है, या हो सकता है इसी पे स्टेबल रहे. तो ये 9:16 AM तक का डेटा था. ठीक है, अच्छा, इसी तरह से नीचे आ जाए डाओ पे. तो डाओ इज ऑल्सो एन इंडेक्स. इंडेक्स सेट ऑफ राइट. नैस्डेक जो है, नैस्डेक इज एक्चुअल स्टॉक मार्केट. लेकिन ये ऑनलाइन स्टॉक मार्केट है. दूसरी स्टॉक मार्केट होती है फिजिकल मार्केट्स होती है. मसलन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे है या नहीं है? तो यूजुअली उसके लिए आप अगर यहाँ ट्रेड के उस पे जाएं टैब पे, यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का टिकर लिखिए या नाम लिखे उस कंपनी का. तो ये देखिए आगे तो उसका नाम लिखा हुआ ना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन, राइट? उसके बाद उसकी प्राइस आ गई, फिर उसकी फ्लक्चुएशंस वगैरह वो दिखा रहा है. ETB का मतलब होता है इजी टू बोरो. अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट करना चाहें तो ये इजी टू बोरो स्टॉक है. और फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE, यहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि ये कौन सी स्टॉक एक्सचेंज में एक्चुअली में कहाँ पे ट्रेड होता है. अगर आप यहाँ पे बोइंग को देखें तो बोइंग कहाँ पे होता है ट्रेड? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, राइट? अगर आप एयरबस को देखें, एयरबस एयरबस जो है, आपको पता है एयरबस कहां पे लोकेटेड है? कंपनी US कंपनी है ये, या कैनेडियन कंपनी है, या यूरोपियन कंपनी है? एयरबस आई थिंक यूरोपियन कंपनी है अभी तक. हाँ, आई थिंक यूरोपियन कंपनी है. यूरोपियन है, राइट? जी. अब यूरोपियन कंपनी US स्टॉक मार्केट पे तो लिस्टेड नहीं होगी, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? OTC. OTC कहते हैं ओवर द काउंटर. ओवर द काउंटर और अदर्स, राइट? सो बाय लुकिंग एट दिस यू नो कि दिस इज नॉट एन अमेरिकन कंपनी, बट यू कैन ट्रेड इट इन अमेरिका. उसकी ट्रेड जो है वो ओवर द काउंटर होगी, एक्चुअल ट्रेड जो है. आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, मसलन चार्ट पे जाके मैंने इसको किया, लेट्स बाय सम Airbus shares. I go in, iski current price jo hai 18.09 pe chal rahi hai. So I want to go ahead and I want to buy 100 shares of Airbus at market price. Market is open right now, so I'm going to go ahead and buy it market price 18.090. Send and confirm and send. I read this again. Buy 100 Airbus market price, and I send this. The moment I send, I have too much investments already done in other shares, so that order was rejected. So I go in, buy, edit, and make it
50 market order, confirm and send consent. Oh. I'm fully invested. So, abhi mere paas sirf 3,000. Available for trading, $3,940. मसला ये है कि ये जो ऑर्डर लगाया हुआ है ना यहाँ पे 195 के खरीदने 50 खरीदने का ये वाला बाय का ऑर्डर, ये पैसे स्टक हो जाते हैं जब तक ये वर्किंग ऑर्डर है, तो ये दिस मनी यू कैन नॉट टच. तो इफ यू वांट टू टच दिस मनी यू हैव टू गो एंड यू हैव टू कैंसिल दिस ऑर्डर. ठीक है, ये ऑर्डर मैंने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे स्टेटस में आ गया कैंसिल. तो अब क्या हुआ है, अब वो फंड्स जो है वो अवेलेबल हो गए. सी दैट. तो I go back to charts window, buy, edit, and I want to buy 100 shares at market price. 100 shares are $1,800. क्यों नहीं चाहिए? ठीक है. Confirm and send. Send. Okay, my money still stuck. Let's do 10 shares, market value, confirm and send, and send. Okay. So this is a different type of error. So I don't know if you noticed this error or not, but let's see. This is not a paper money account, right? So isme kya ho raha hai ke जो फंड्स मैंने सबमिट जमा करवाए थे अभी कल ही करवाए थे, राइट? तो उन फंड्स को सेटल होते हुए टाइम लगता है. तो उस सेटल होते हुए टाइम पीरियड के अंदर जो तो लोकल स्टॉक्स होते हैं वो तो वो खरीदने देता है, लेकिन ये चूंकि ओवर द काउंटर है तो वो जब तक मेरा अकाउंट बैलेंस जो है सेटल नहीं होगा तब तक I'm not allowed to buy this because this is an over the counter, this is a non-US stock. This is an OTC, over the counter stock, as we had already established this. So we are not able to buy this until that balance, you know, I have $13,000 available for trading. ये मैं किसी US stock के लिए तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए नहीं कर सकता, Airbus के लिए नहीं कर सकता, because it's not a US company. तो this is जो non US companies होती हैं उनको risky समझा जाता है, ज़्यादा risky समझा जाता है, तो इसलिए they don't want to allow me to buy it until the money that I've deposited is settled. ठीक है, लेकिन अगर यही चीज let's say Apple stock अगर देखना हो, नहीं Apple का है, APPL is right here, it's trading at $368. Yahan pe dekhiye kaun si stock market pe hai ye? Nasdaq pe, right? So we go under charts. I would like to buy it, but not at this price point. So I can make a limit order. Buy 10 shares of Apple at a limit price. Right now it's doing $368. अगर यहाँ पे इसका resistance level और support level अगर आप देखें तो ये $300, अगर ये कहीं drop हुआ तो इसका chance जो है वो ये है कि ये $300, $302, $301 या $300 तक भी आ सकता है. तो I'm going to put that as my limit order. Confirm and send. Send. And you can see कि इसके ऊपर से कोई problem नहीं है क्योंकि ये US stock tha, so it came under working order. Okay, so you learned a new thing today. Okay, agar aapne paise jama karwaye hain account ke andar aur wo abhi settle nahi ho, usually 4 din lagte hain, settle nahi hue to wo aapko risky jo stocks hain wo nahi khareedne dega jab tak aapke apne paise available nahi ho jayenge. Okay, abhi tak koi question?
let me check chat window as well. Let me see if question wahan pe aaya hua hai. Agar koi question hai to I'm open. Feel free to ask that question. Doctor, how you deposit your money in your account that you can trade it? Right. तो उसके लिए आपको ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ेगा किसी भी यूएस उसके साथ. तो टीडी अमेरिट्रेड जो है, जैसे आपने पेपर मनी अकाउंट खोला, इसी तरह से ब्रोकरेज अकाउंट भी खोल सकते हैं. लेकिन ब्रोकरेज अकाउंट खोलने के लिए लाजमी है कि आप या तो यूएस सिटीजन होने चाहिए या यूएस परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए. तो आपका अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए, इस तरह से, यू नो. तो विच बेसिकली makes anyone जो US के अंदर नहीं रहते तो उनको ineligible, उनको रोकने का तरीका है वो. तो उसके लिए फिर usually क्या करते हैं कि किसी तरह की कोई brokerage firms के through investment की जा सकती है. कि कोई एक आध बंदा ऐसा हो जो यहाँ local हो, brokerage firm जो जिसकी हो उसके अंदर, उस account में, company के account में पैसे डाल के फिर company account बनाया जा सकता है. तो कैनेडियन सिटीजन जो है वो भी नहीं खोल सकते यूएस मार्केट में, अनलेस उनके वो यूएस में किसी वक्त रहे हों और उनके पास यूएस का यूएस की कोई ना कोई सिटीजनशिप मौजूद हो. मतलब नॉट सिटीजनशिप, एज लॉन्ग एज सोशल सिक्योरिटी है तो ठीक है. हाँ, कैनेडा में भी टीडी बैंक है, लेकिन कैनेडियन टीडी बैंक विल अलाउ यू टू ओपन कैनेडियन ब्रोकरेज अकाउंट, नॉट द यूएस ब्रोकरेज अकाउंट. नाउ वहां से बैठ के यूएस में, अपना यूरोप में, कैनेडा में बैठ के यू कैन बाय अमेरिकन स्टॉक्स. लेकिन वो जब अमेरिकन स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो वो उनके लिए उसी तरह से ओवर द काउंटर बन जाएंगे, जैसे हमारे लिए एयरबस जो है वो ओवर द काउंटर है. तो यू कैन स्टिल ट्रेड, अगर आप यूरोपियन सिटीजन हैं या कैनेडियन सिटीजन हैं या पाकिस्तानी है किसी भी, बट फॉर यू इट विल बिकम ओवर द काउंटर. लेकिन अगर आप इसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर रह के काम करना चाहते हैं, तो इन दैट केस यू विल नीड सम यूएस बेस. तो उसके बारे में इंशाल्लाह अभी कार्लो, ये सॉफ्टवेयर अलो नहीं करता किसी और कंट्री में बैठ के उनके जो ट्रेडिंग वहां से कर सके उनके प्लेटफॉर्म से. राइट, क्योंकि हर कंट्री का अपना. तो फॉर एग्जांपल टीडी अमेरिकन ट्रेड जो कैनेडियन वो जो है वो अलाउ करता है सॉफ्टवेयर को यूज करना, लेकिन उसका सेटअप जो होगा वो कैनेडियन सेटअप होगा. तो उस कैनेडियन सेटअप के अंदर अगेन जैसे मैंने आपको बताया, तो सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली यही रहेगा, लेकिन जो जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे तो उस वक्त आप कैनेडियन उसको इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह से आई बिलीव के कुछ ना कुछ यूएस एशियन कंट्रीज के लिए भी कुछ है, लेकिन मुझे खुद उस चीज का श्योर नहीं, क्योंकि जैसे देखें ना, सीएनबीसी का जो है सीएनबीसी एशिया नेटवर्क मौजूद है, तो ये सारे के सारे एशियन मार्केट्स के ऊपर कवर कर रहे होते हैं. अब ये देखें, ये अगर मैं इसको चलाऊं तो यहाँ पे ये टीवी चल रहा है ना जी. तो ये सपोर्ट करते हैं उसको, एशियन मार्केट्स को, लेकिन एग्जैक्टली किस तरह से करते हैं उसके लिए आई वुड नीड अ वॉलंटियर जो वहां पे रह के इन चीजों को एक्सप्लोर कर सके, यू नो. तो विल टॉक अबाउट दिस अ लिटल लेटर. एक और जो मकसद था इस क्लास का वो ये भी है कि अगर इस क्लास में मुझे कोई अच्छे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनको समझ आ रही है कि मार्केट्स कैसे चल रही हैं, तो उनके लिए यहाँ पे यूएस में वी कैन हैव अ कंपनी जिसके अंदर ब्रोकरेज अकाउंट हो, जिसके लिए पैसे को हैंडल कर सकते हो, और वहां से बैठ के एक तरह की जॉब टाइप सिचुएशन जो क्रिएट की जा सकती है. लेकिन ये कि वो अभी दैट स्टिल प्रोसेस, अभी मैंने उसका कोई फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये समझ आए कि स्टॉक मार्केट्स काम कैसे करेंगे. अब यही स्टॉक मार्केट्स जो यहाँ पे काम करिए एग्जैक्टली इसी तरह से पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज भी इसी तरह से ही काम करती है, राइट. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कराची स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो उसी तरह से के एस सी 100 इंडेक्स होगा. तो फॉर एग्जाम्पल ये के एस सी 100 इंडेक्स, अब इसको देखते ही आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए
So let me ask Suhaib. Suhaib, आपने कभी कराची मार्केट के साथ डील किया है? कभी सुना है कभी उसके बारे में? Suhaib? I have heard of it, but I've never actually dealt never, with it. Right? So कोई experience नहीं है आपका कराची स्टॉक एक्सचेंज से, right? No. तो अगर आपने ये देखा ये लव्स KSE 100, इसका क्या मतलब होगा? This is probably an index on of how many companies? Of around 30. No, 100 companies. 100 companies. तो जैसे S&P 100, S&P 500, अगर S&P 500 की बात कर रहे हैं तो उसमें 500 कंपनियां शामिल होंगी. S&P 100 के अंदर 100 कंपनीज होंगी. तो KSE 100 जो है, that's a जो अगर आप KSE 30 देखना चाहते हैं तो उसके लिए वो 30 करेंगे तो वो ऑल शेयर करना चाहेंगे तो फिर एवरी सिंगल कंपनी दैट इज लिस्टेड ऑन कराची स्टॉक एक्सचेंज विल शो अप. तो द कॉन्सेप्ट्स रिमेन द सेम, कॉन्सेप्ट्स नहीं बदल रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से अभी कुछ अरसे बाद हम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस विल टॉक अबाउट इंडेक्स फंड्स, विल टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड्स, विल टॉक अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो स्टॉक मार्केट्स के अंदर होती है. तो वो चाहे कराची की स्टॉक एक्सचेंज हो, इस्लामाबाद की हो, रियाद की हो, दुबई की हो, कहीं पे भी आप चले जाएं, those concepts will remain the same. So all you need at that point is log in to a software like this. अगर आपको इस तरह का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा तो जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहां पे भी अप्लीकेबल होंगे. You know, कुछ डिफरेंसेस हो भी सकते हैं, but those differences you will be immediately able to identify those differences. कि US मार्केट में क्या होता है और जो लोकल मार्केट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है. तो रिगार्डलेस यू नो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं. और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि जब हम कोई चीज जो हमारे पास नहीं है स्टॉक, हम वो बारो करते हैं और वो हम सेल कर देते हैं, तो वो हमें कितनी देर तक अलाउ करता है कि वो हमने वापस उनको वापस करने होते हैं? हाँ, शेयर्स, राइट. तो जैसे मैंने आपको दिखाया कुछ शेयर्स हैं, उनके आगे लिखा हुआ होता है इजी टू बोरो, राइट, ETB. कुछ होते हैं शेयर्स जो इजी टू बोरो नहीं होते, मसलन Let me show you Lucan Coffee. Lucan Coffee जो है ये Lucan Coffee, this is a Chinese Starbucks basically. Okay. ठीक है, तो Chinese coffee company, इनके बहुत सारे stores हैं, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है HTB, hard to borrow. तो इसको अगर आपने short किया तो क्या होगा कि अगर आपका एक्चुअल अकाउंट है तो बैंक आपको कॉलिंग करना शुरू कर देते कि भाई आप ये खरीदें वरना हम आपके बिहाफ पे जाके खरीद लेंगे जिस कीमत पे भी मिलेगा, राइट? और एक टर्म होती है उसे कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज. शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है कि जब कीमत ऊपर जाने लगती है तो जो लोग शॉर्ट करके बैठे होते हैं उनको पैनिक हो जाती है, राइट? तो वो अपने लॉसेस, अब उनको पता है कि वो जिस कीमत पे उन्होंने बेचा उस कीमत पे तो नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं होगा, ऊपर ही जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर अपना नुकसान कम करने के लिए महंगे दामों भी खरीदना शुरू कर देते हैं. जब वो महंगे दामों खरीदना शुरू करते हैं तो क्या होगा, स्टॉक की प्राइस को और ऊपर जाना शुरू हो जाता है, डिमांड बढ़ गई ना, ठीक है? तो वो जो शॉर्ट करके बैठे होते हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है उस वक्त, तो वो शॉर्ट स्क्वीज में चले जाता है. Lucan Coffee जो है इस वक्त शॉर्ट स्क्वीज में है क्योंकि इनका कल क्या हुआ है, लेट्स गो टू वो जो फिनविज, ठीक है? फिनविज जो है, लाइक आई टोल्ड यू, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है. इस पे आपको जो हिस्ट्री मिलती है इजीली वो दूसरी जगहों पे मिलना मुश्किल हो जाती है. तो Lucan Coffee, लेट्स लुक एट दिस, क्या हुआ है कि वाई बाय ऑन द डिप. ओके, Lucan Coffee इज रनिंग out as Nasdaq issues another delisting notice. तो क्या हुआ है कल, ये कल की हाँ, ये June 23rd 12:58 की न्यूज है. जैसे ये न्यूज आई है उसके बाद ये तकरीबन 18% इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है. तो क्या हुआ है कि चाइनीज कंपनी है ना, तो US में ट्रेड करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, एक US ट्रेजरी सिस्टम इस्टेब्लिश करना पड़ता है जो
डॉलर्स को चाइनीज करेंसी में कन्वर्ट करके फिर अलाउ करता है कुछ इंटरनेशनल कंपनीज को यूएस में ट्रेड करने के लिए, अदरवाइज वो ओवर द काउंटर ट्रेड होगी. तो ये नैसडैक पे लिस्टेड है, नैसडैक यू नो दैट ऑनलाइन स्टॉक मार्केट. तो नैसडैक पे लिस्टेड होने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको क्वार्टरली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो पब्लिश करनी होती हैं, वो सबमिट करवानी होती हैं. तो इन्होंने वो सबमिट नहीं करवाई, ठीक है. तो क्या वो एक नोटिस वो ऑलरेडी भेज चुके थे कि हम आपको डीलिस्ट कर देंगे अगर आप हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करें. तो क्या हुआ, Luckin Coffee slumped 18% in pre-market trading on Tuesday after the company announced it received a delisting notice from NASDAQ last week for failing to file its annual report. ठीक है, तो ये 2.2 billion yuan की sales हैं इस company की. लेकिन मसला ये था कि इनका पिछले back in April, I think there was another scandal कि ये अपनी books जो थी इनकी financial books जो report कर रहे थे उसमें numbers जो थे inflated numbers थे, वो actual sales figures नहीं थे. तो वो जैसे ही वो scandal आया तो ये $50 पे चल रहा था ये share. Let me pull up the chart. Let's pull out 185. ये देखिए $51 पे चल रहा था on January 17th. तो वैसे भी नीचे जा रहा था लेकिन फिर भी कुछ किसी ना किसी हद तक स्टेबल था $26 पे. जिस दिन वो खबर आई है कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर कोई फ्रॉड किया हुआ है, एकदम कीमत जो ड्रॉप हुई है तो इट वेंट डाउन टू $6. ठीक है, 26 से $6 पे चली गई. तो फ्रॉड होते हैं, उनके लिए मोहतात होना चाहिए इंसान को, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो. जितनी छोटी कंपनी है और खासतौर पे चाइनीज कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, तो उनके लिए यूएस मार्केट के अंदर वैसे भी जरा स्क्रूटनी जो है ज्यादा होती है. तो यू कैन सी कि प्राइस कहां से कहां पहुंच जाती है. तो अब आज इस वक्त इसकी कीमत जो है $3 पे चल रही है. कल जो थी ये कीमत और भी नीचे जा चुकी थी. ये देखें, कल जो थी ये 258 पे थी. देख रहे हैं आप 258 कहां पे नजर आएगा आपको? किसी वेबसाइट से शॉर्टिंग का पता चल सकता है? शॉर्टिंग का डेटा मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है. फिनविज पे अगर आप जाएं तो ये वाला जो शुरू में टेबल है इस चार्ट के नीचे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है शॉर्ट फ्लोट, 41% शेयर्स जो है इसके शॉर्ट हुए हैं. ठीक है, लोगों ने महंगे दामों बेच दिए और वो अब इंतजार कर रहे हैं कि इसकी कीमत और नीचे जाएगी. ठीक है, तो जब 41% लोग उसे शॉर्ट करके बैठे हैं तो बेसिकली अगर अच्छा अब क्या होगा, अगर फॉर सम रीजन इसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है तो जो ये शॉर्ट करके बैठे हैं इन लोगों को खरीदने पड़ेंगे ना फिर. तो जब खरीदने लगेंगे ये लोग भी, ये 41% खरीदने लगेंगे तो इसकी कीमत ऊपर भी उसी तरह से शूट कर सकती है जिस तरह से ये नीचे गई थी, क्योंकि वो शॉर्ट स्क्वीज में आ जाती है. शॉर्ट स्क्वीज क्या चीज होती है? जब जो लोग जो शॉर्ट करके बैठे होते हैं इसको, उनको भी मजबूरी से खरीदना पड़े. तो चूंकि ये हार्ड टू बोरो स्टॉक है, ठीक है, हार्ड टू बोरो, तो उसी तरह से बैंक्स की तरफ से प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाते हैं. अगर इसकी आपने इसको $3 पे शॉर्ट कर दिया है, आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये $1.50 पे चली जाएगी इसकी कीमत, लेकिन नीचे जाने की वजह ऊपर चली गई है, तो अब आपका नुकसान होना शुरू हो गया. नाउ द बैंक्स, ये जो TD Ameritrade है, इसके लोग कॉल करना शुरू कर देंगे कि भाई आप या तो पैसे जमा करवाए जो उस लॉस को कवर करे, और या फिर हम आपके बिहाफ पे खरीद लेंगे जो भी मार्केट प्राइस पे मिल जाएगा. तो दैट्स हाउ द होल शॉर्टिंग बिजनेस एंड फॉरेन करेंसीज एंड ऑल दीज थिंग्स वर्क. ओके, एक क्वेश्चन और है कि ये जितनी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कैटरपिलर है, बोइंग है,
इससे भी बड़ी कंपनियां होंगी, उनके शेयर्स मैक्सिमम आपके विजन में कितने गिरे हैं अचानक एक दिन में, $20 $50 शेयर जो है पर शेयर, क्या रिव्यू है इसके ऊपर आपका? हाँ, तो उसके लिए मुझे अपने ख्याल से बात करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली चार्ट पुल कर सकते हैं, राइट? तो इसमें थिंक और स्विम में आपके पास पिछले 20 साल का डेटा मौजूद होता है, ठीक है? तो ये बोइंग जो है, बोइंग की कीमत यहाँ ऊपर इस कॉलम में देखिएगा, नवंबर 25th को इसकी कीमत $373 पर शेयर थी। हाईएस्ट जो है इस चार्ट के अंदर, इस एक साल के चार्ट के अंदर $378 थी हाईएस्ट। लोएस्ट जब गया तो 89 तक गया, ठीक है? वो 89 कब था, डेट को देखें उधर से, March 20th, ठीक है? तो बिटवीन October 15th 2019 से March 20th, कितना, 6-7 महीने का डिफरेंस है। 7 महीने के अंदर कीमत जो है 378 से 89 पे आ गई, राइट? ये जब 89 पे थी, मैंने उस वक्त खरीदे हैं, काफी मैंने स्टॉक खरीदे, लेकिन वो खरीद के मैंने यहाँ कहीं जब ये 110-115 तक पहुंचे तो बेच दिए थे उस वक्त, तो क्योंकि आई वॉज डूइंग अ डे ट्रेड, ठीक है? मैं इसमें ज्यादा अरसा नहीं रखना चाहता था। तो anyway, तो वो क्या हुआ, ये देखें, ये 184 तक गया, फिर उसके बाद नीचे कितना आया, 125 पे नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया तो 161 पे गया, राइट? तो और फिर उसके बाद यहाँ पे कहीं ये 122-123 पे, यहाँ पे सऊदियों ने अनाउंस किया था कि वो $1 billion की शेयर्स खरीद रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये शेयर्स खरीदे हैं, $1 billion इन्वेस्ट किया है उस कंपनी के अंदर, तो इसकी कीमत 236-238 तक पहुंच गई थी, राइट? फिर उसके बाद जो नीचे ड्रॉप हुई है तो ये 168 तक भी फिर आई है। तो एज अ बिजनेसमैन आपका जो रोल है वो ये है कि इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना कि कैसे नीचे जा रही है, कैसे ऊपर जा रही है। तो जब ये नीचे है तो आपने उस वक्त खरीदने हैं, जब ये ऊपर जाती है तो उस वक्त आपने बेचना है, राइट? तो दिस इज वेयर योर बिजनेस इंटेलिजेंस कम इनटू प्ले, राइट? तो ये चीज अगर आपको समझ आ जाए तो बेसिकली अगर आपने यहां पर कहीं खरीद ली है तो अब आप फंस गए, राइट? या तो आप नुकसान करके निकलेंगे या फिर आपको बहुत अरसे तक रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि जब इसकी कीमत ऊपर जाए, दोबारा उस लेवल तक पहुंचे। तो यहाँ पे अगर खरीदा है तो बैड बिजनेस डिसीजन है, लेकिन अगर यहाँ पे खरीद लिया था, ये 166 वगैरह पे इस प्राइस रेंज के अंदर अगर खरीदा है आपने, तो यहाँ से उठ के फिर वापस, अब वो 182 पे खड़ी है ना आज, देख लें 182, अभी 82 पे, 86 पे थी, नहीं 188 पे थी शुरू में, रिमेम्बर जब मैंने ये जो ऑर्डर लगाया था 182 का, राइट? 182 का ये लगा हुआ, कैंसिल क्यों किया वन ऑर्डर, उस वक्त 188 चल रही थी प्राइस उसकी। तो आज के दिन में भी, ठीक है, एक तो है ना कि ओवरऑल ओवर वीक्स एंड ओवर मंथ्स क्या हो रहा है उसके साथ, लेकिन एक ये कि एक दिन के अंदर कितनी मूवमेंट हो रही है उसकी। तो एक दिन के अंदर की मूवमेंट को आप देखने के लिए आई गो 1 day 1 minute चार्ट, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये है आज के दिन, ये प्री मार्केट का डेटा है, ये एरिया जो है, और ये मार्केट खुलने के बाद का डेटा है। तो अगर यहाँ पे किसी ने खरीदे थे 183 पे और जाके उनको निकाल दिया 184 पे, तो $2 पर शेयर बन गए ना। तो अगर 100 शेयर खरीदे होते तो $200 ये बन चुके होते। उसके बाद फिर वेट करें, यहाँ पे 182 पे खरीदे, अगर ये दोबारा 188 तक पहुंचता है, ठीक है, जो उस वक्त प्राइस थी जब हम चेक कर रहे थे, अगर उस प्राइस तक पहुंच जाता है तो $6 बनते हैं एक दिन में पर शेयर। तो अगर आपने 100 शेयर उठाए हुए हैं और $6 पर शेयर आपने बना लिया आज के दिन में, तो दैट्स $600, राइट? Right, Zaman? Does it make sense? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया। तो अच्छा,
मुझे ये बता दें कि ये वो टैग कहाँ से टैब से ये आता है कि वन डे वन, और अगर हमने इयर्स का चार्ट देखना है ये यहाँ पे इस जगह ठीक है इसको जब आप ये जहाँ वन मिनट लिखा, और इसको आप जाके नीचे देंगे, फिर आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे गए कस्टमाइज, कस्टमाइज में आप बताइए कितना है उसका करना। यहाँ पे आप एड टाइम फ्रेम एक साल का करना है, 20 साल का करना है, या मैक्सिमम अवेलेबल का करना है। मैक्सिमम अवेलेबल का करके मंथली डेटा उसको एग्रीगेट करके बता दे, ठीक है। ये एक और चार्ट ऐड हो गया, एक और आपने टाइम फ्रेम ऐड करना हो 20 साल का तो उसे भी कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये 20 साल के 50 साल के इनका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, बहुत पुराना डेटा है। आपने याद रखे ये जो डे ट्रेडिंग के लोग होते हैं जो रोजाना की बेसिस पे ट्रेड कर रहे होते हैं, उनकी मेमोरी जो होती है बस 24 घंटे की होती है कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ, उसकी बेसिस पे वो फैसला करते हैं। अब यानी आप देखें अभी आपके सामने 182 पे था ना जब हमने ये बात करना शुरू किया पिछले कुछ मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, राइट 182 पे था। हमारे सामने सामने देखें 183 से ऊपर जा रहा है, राइट। और वॉल्यूम का क्या है नीचे, वॉल्यूम भी ठीक है, वॉल्यूम मतलब इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है जैसा यहाँ पे था इन मिनट्स के अंदर, लेकिन इट्स अ गुड वॉल्यूम। अच्छा तो वन मिनट वन चार्ट, वन डे वन मिनट चार्ट जो होता है ना ये भी थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है क्योंकि वन मिनट इज टू स्मॉल ऑफ अ टाइम पीरियड। तो अगर हम इसे एक और टाइम पीरियड ऐड करें इसके अंदर कितना, लेट्स से टाइम इंटरवल, इंटरवल वन मंथ नहीं वन डे, क्या हो रहा है इसको ओके किया और यहां से जाके वन डे 3 मिनट चार्ट किया और फिर इसको किया तो ये देख लें कि यहाँ 182 पे था, अब इस वक्त 183 पे पहुंच चुका है। तो $1 तो बन जाता ना यहाँ पे, अगर आपने 1000 शेयर उठाए हुए हैं तो दैट्स $1000 राइट हियर 3 मिनट के अंदर। अच्छा right? एक क्वेश्चन और है कि हमें ये कहां से पता चलेगा कि अब जैसे बोइंग चल रहा है कि इसके टोटल शेयर्स कितने हैं और हाँ। इसमें बिके हुए डिमांड एंड सप्लाई हम कहां से देखेंगे? तो उसके टोटल शेयर्स कितने हैं उसके लिए फिनविज, ठीक है, फिनविज पे जाके बोइंग आ गया। टोटल इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 109 बिलियन डॉलर की है। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर जो है 565 मिलियन शेयर हैं इसके, ठीक है 565 मिलियन, ठीक है। अब इसका डेली वॉल्यूम तकरीबन कितना है, तकरीबन 6 मिलियन का वॉल्यूम है रोजाना का, ठीक है। 6 मिलियन शेयर आर सोल्ड एंड परचेज ऑन एवरेज, ठीक है। अच्छा मजीद डेटा जो है वो देखें, किसी भी चार्ट को आप करेंगे तो उस चार्ट में नीचे यहाँ पे वॉल्यूम का डेटा आ रहा होगा, ठीक है। ये थिंक और स्विम के अंदर अगर आप चले जाएं तो ये नीचे आ रहा है इसका डेटा, ठीक है। अब उसका वॉल्यूम कहां से पढ़ेंगे, अब ये माउस यहां पे है ना, तो लेकिन इस जगह पे आप देखिएगा, इस जगह पे वॉल्यूम के आगे का जो नंबर है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर गया तो बताइए क्या वॉल्यूम नजर आ रहा है आपको, 78,800। ये 3 मिनट का, ये 3 मिनट में 443,000 तो दिस इज अ गुड स्टॉक, यू नो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट खुली हो तो यू कैन सी कि प्राइस कैसे ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। जब रेड कैंडल आती है उसका मतलब है कि बेचने वाले ज्यादा बैठे, ग्रीन होती है तो उसका मतलब खरीदने वाले ज्यादा हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है कि बाजों का आप लिमिट का ऑप्शन लगाते हैं और आपने बाय करने हैं, लेकिन वो तब ही हमें उस रेट पे, अगर रेट भी आ जाता है। अब कल ऐसे हुआ है कि मैंने एक ट्रेडिंग पे 182 रुपए लिमिट पे रेट लगाया, अब 182 पे यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे मुझे नजर आया है, लेकिन वो बाय होके उसने ऑर्डर लगाया हुआ था लेकिन वो मेरे पास नहीं है, उसको उसने एग्जीक्यूट नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, प्राइस तो वहां तक पहुंची है लेकिन कोई बेचने वाला ही नहीं था।
अच्छा बेचने वाला नहीं था, ऐसे जब हम सेल करते हैं तो तब भी आगे लेने वाला होगा, देन वो एग्जैक्टली हाँ आगे से कोई लेने वाला होगा तो वो काम चलेगा, तो काम चलेगा हाँ, वरना तो प्राइस मीनिंगलेस हो जाती है ना, कि अगर कोई खरीदने वाला नहीं है कोई बेचने वाला नहीं है तो प्राइस डज नॉट मेक एनी सेंस एट दैट टाइम। ठीक नवीद भाई, एक्चुअली मेरे साथ एग्जैक्टली यही सेम चीज हुई है जो भाई के साथ हुई है। कल मैंने एक स्ट्रेटजी ये सीखी है कि छोटे छोटे वॉल्यूम्स में ऑर्डर लगाएं, लिमिटेड टू 5, 2, 1 एंड देन इट गोज एज सून एज द वॉल्यूम। कौन सी कंपनी भाई? मेरे साथ वही हुआ जो भाई के साथ हुआ था पहले, कि मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था मैंने कितनी प्राइस पे लेना है और कितनी प्राइस सेल करना है। व्हाट हैपेंड, जो सेलिंग वाले थे, शॉर्टिंग वाले थे, वो पहले हो गए और वो बेसिकली एप्पल और दूसरी कंपनी जिसके साथ मैं कर रहा था दैट वाज बायोजेन, एप्पल एंड बायोजेन। सो आई लॉस्ट मनी इन एप्पल बिकॉज एप्पल वाज गोइंग लाइफ टाइम हाई यस्टरडे, वापस आया तो मैंने इसको काफी लिमिट कर दिया था कल तक रात, लेकिन जो बायोजेन है उसमें वो मुझे लग रहा था कि वो वापस आएगा ही आएगा, जो मेरी बाइंग प्राइस थी वो उस पे आके वापस वो एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन मैंने उनको छोटे छोटे ऑर्डर्स के पैलेट्स में या ग्रुप्स में किया। राइट, तो एप्पल जो है इस वक्त इट इज एट अ वेरी हाई लेवल, सो लेट्स सी मैक्सिमम टाइम फ्रेम अगर हम इसका करें तो ये देखें, जब से इसकी कीमत ट्रेड होना शुरू हुई है उससे अब इस वक्त जो है 372 डॉलर्स पे जो चल रहा है, दिस इज द हाईएस्ट इट हैज एवर बीन। एप्पल की कीमत, एप्पल की पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन 372 के हिसाब से, लेट्स सी एप्पल के कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। एप्पल एंड इंक, एप्पल के 4.36 बिलियन आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, हर शेयर को आप 378 डॉलर से मल्टीप्लाई करें तो इट कम्स आउट टू बी वेरी क्लोज टू ऑलमोस्ट $2 trillion, दैट मेक्स इट द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जी भाई, ठीक है, तो इट हैज अ मोमेंटम राइट नाउ, तो मोमेंटम जब होता है तो वो मोमेंटम डज नॉट सी के ओवरऑल मार्केट के साथ क्या चल रहा है, मोमेंटम कीप्स पुशिंग थ्रू। तो यानी ऑफकोर्स ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे राइट, कि ये मार्च में कोरोना वायरस की वजह से इसको इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन जो प्राइसेस की चल रही थी, ये देखें 320 पे चल रही थी ना, 320 से नीचे आके 240 तक आया ये राइट इस रेंज में, लेकिन अब फिर वो 240 से उठ के जो ऊपर जा रहा है तो लगता है उसकी कोई ब्रेक ही नहीं है अब इस वक्त। असल में नवीद भाई, मुझे इतना ज्यादा तो नहीं आता ये, लेकिन मैंने न्यूज कुछ देखी थी जिस तरह आपने बताया था, तो वो बता रहे थे कि इंटेल की चिप्स को विड्रॉ करके दे विल बी मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन चिप्स, राइट, आईफोन्स एंड मैक्स एंड आईपैड्स, राइट। तो मैंने ये सोचा कि डेफिनेटली इंटेल का स्टॉक जो है नीचे जाएगा, वो जो जा रहा था और लेकिन बहुत से एनालिस्ट जो जिस तरह आप न्यूज CNN की पढ़ रहे थे, मैंने एक और वेबसाइट भी खोली हुई थी जो कि ब्रिटिश है, तो वो भी ये कह रहे थे कि इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग बिकॉज इंटेल हैज बीन देयर इन द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। लेकिन जो चीज मैंने मिस कर दी वो ये थी कि कल उनकी वो जो एक कॉन्फ्रेंस करते हैं ना WBC, जिसमें वो अपनी नई चीजें लॉन्च करते हैं, नया फोन क्या होगा एंड ऑल दैट स्टफ, आई नॉर्मली थॉट के थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड दैट्स व्हाई आई विल सेल, लेकिन मुझे ये नहीं पता था दिस विल गो इनटू हाई। भाई इसको हम किस तरह एनालाइज कर सकते हैं, हाउ वुड वी नो कि ये ट्रेंड कहां तक जाएगा, दैट राइट। तो उसके लिए वो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, दैट कॉन्सेप्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका 5-day 15-minute चार्ट निकालूं यहाँ पे, तो यहाँ पे यू कैन सी अगेन, आई गो टू ड्रॉइंग्स में जाके ड्रॉइंग टूल्स एंड प्राइस टूल, ठीक है, प्राइस लेवल इसको उठाया, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी कीमत एक दफ़ा वो 335 पे गई है, बट दिस वॉज नॉट अ सस्टेन्ड टाइम फ्रेम, कोई एक दो ट्रेड हुई होंगी इस लेवल के ऊपर, तो वी कैन डिस्काउंट दैट। तो यहाँ पे ये एक लेवल है 345 का, राइट, 345 का एक लेवल है जो सपोर्ट लेवल है, कि
कि ऊपर से आते हुए नीचे गिरी भी थी, लेकिन 345 को उसने टेस्ट किया, जैसे 345 पे आई तो जो खरीदने वाले बैठे थे उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया कि भाई ये तो अच्छी कीमत मिल रही है, राइट तो वो ऊपर की तरफ जाने लगा, तो वो 350 तक गया, 350 से ड्रॉप होके फिर वापस 347 पे आया, $3 का डिफरेंस था, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, खरीदना शुरू किया, फिर वही 350 से शुरू हो गया। तो नवीद एक क्वेश्चन है यहाँ पे जी कि ये नंबर कैसे नीचे जाते हैं, कैसे कौन डिसाइड करता है कि नंबर नीचे जाएंगे, आप ये देखिए यहाँ पे एक लेवल था, राइट एक लेवल यहाँ पे था, ठीक है, उसने उसको कितनी दफा, दो दफा टेस्ट किया उसे, फिर उससे ऊपर ही जाता रहा, फिर एक ये एक लेवल था लेकिन ये एक ही दफा उसने टेस्ट किया, तो इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पे करता हूँ कि यहाँ पे एक लेवल था जिसको उसने एक दफा टेस्ट किया, फिर उसके बाद ऊपर चलता गया, फिर यहाँ पे आके एक लेवल बना, फिर यहाँ पे एक लेवल बना नीचे से सपोर्ट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ एक लेवल था, यहाँ एक लेवल था, ठीक है। अच्छा अब ये लाइनें कैसे बना रहे हैं, ये हम खुद बना रहे हैं अपनी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के साथ। अच्छा ऊपर की तरफ अगर देखें तो यहां पे एक दफा इसने हिट किया, उसको टेस्ट किया, इसका लेट मी चेंज द कलर प्रॉपर्टीज, लेट्स मेक इट ग्रीन, ठीक है, यहां पे एक दफा उसने टेस्ट किया। अब जो उसका रेजिस्टेंस लेवल था वो यहां पे आके उसका सपोर्ट लेवल बन जाता है क्योंकि कीमत और ऊपर की तरफ जा रही है, फिर यहां पे। अच्छा अब आप अगर इसको पढ़ने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है कि ये एक प्राइस का टारगेट था 32 का, ये टारगेट जब उसने मीट किया उसके बाद वो नीचे आया क्योंकि यहां पे जब ये यहां पे पहुंचा है तो जो खरीद के बैठे थे वो अब बेचना चाह रहे हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है, दे वांट टू गेट आउट, तो उन्होंने उसको बेचना शुरू कर दिया। अच्छा बेचते बेचते जब वो 360 तक पहुंचा तो जनरल कंसेंसस जो है मार्केट का वो क्या हुआ कि ये अब 362 जो है ये एक अच्छी प्राइस बन गई है, यहाँ पे जैसे ही आया तो अब लोगों ने फिर खरीदना शुरू कर दिया। अब हर कोई इस चार्ट को देख रहा है, ठीक है, देयर आर मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स हु आर लुकिंग एट द सेम चार्ट, तो वो देखा उन्होंने कि तो ये यहाँ वो बात आती है ना कि किसी चीज की प्राइस कैसे डिटरमिन होती है कि जब खरीदने वाले और बेचने वाले अग्री करें किसी प्राइस के ऊपर, तो जब खरीदने वो सप्लाई एंड डिमांड का पर्सपेक्टिव जो है तो सप्लाई यहाँ पे बढ़ रही थी क्योंकि लोग बेच रहे थे तो उसकी कीमत कम हो रही थी, यहाँ जाके डिमांड उसका बढ़ना शुरू हो गई। अब ये कैसे डिटरमिन होते हैं, दिस इज व्हाट्स कॉल्ड मार्केट डायनामिक्स, तो इन चीजों को समझना ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर आप एक कोई किताब उठा के पढ़ें तो उससे आपको समझ आ जाए या कोई एक लेक्चर आपने सुना तो समझ आ गई, दिस इज एक्सपीरियंस कि कौन सा लेवल जो है कहाँ पे बनना चाहिए, कौन सी लाइन कहाँ पे आनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे से आप ये पूछें कि अगला इसका टारगेट क्या होगा कि अब ये इस वक्त जो है 364 पे चल रहा है तो अगला अब जब इसकी प्राइस ऊपर जाने लगेगी तो आई कैन टेल यू कि ये 375 को जाके टेस्ट करेगा, ठीक है, कि 375 पे लोग क्या चाह रहे हैं, एक्सक्यूज मी 372 पे, क्योंकि ये एक उसने एक उसका रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, वी नो कि इसकी कीमत 372 तक जा सकती है। अब जब ये ऊपर जाना शुरू होगी यहां पे तो कितना ऊंचा जाएगी 372, अगर 372 क्रॉस कर गई तो अगली लिमिट क्या होगी नोबडी नोज, तो यूजली एनालिस्ट जो होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी अगली लिमिट जो है 385 की हो सकती है या 400 की हो सकती है, तो अब जब हर किसी को पता है कि ये 400 तक जा सकती है तो क्या होगा, लोग खरीदते जाएंगे अंटिल दैट लेवल इज अचीव्ड एंड देन पीपल वुड जो लेके बैठे हैं उसको बेचना चाहेंगे सो दैट दे कैन टेक देयर प्रॉफिट्स। तो दिस कैन बी प्रिटी ट्रिकी
एंड दिस इज समथिंग जिसको मैं ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो तालाब के बाहर खड़े होके तो नहीं सीख सकते, आपको जंप तो लगाना पड़ेगा। तो जब आप ये ट्रेडिंग शुरू करेंगे, कुछ मिस्टेक्स करेंगे, कुछ जगहों पे लॉस होगा, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि अच्छा एक्चुअली में स्विमिंग कैसे होती है या बाइसिकल कैसे चलानी है। किसी दूसरे को बाइसिकल चलाते हुए देख के इंसान सीख सकता है जब तक खुद ना बैठे बाइसिकल पे। तो यू कैन एक्सप्लेन जितना मर्जी एक्सप्लेन कर ले, लेकिन जब तक आप बाइसिकल पे बैठेंगे नहीं तब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं, बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जो होते हैं, वो भी मिस्टेक्स कर बैठते हैं, विच इज ओके। यू नो नोबडी एक्सपेक्ट्स के हर कोई जो है वो एक दफा पढ़ने के बाद वो बहुत एक्सपर्ट बन जाएगा, और वरना आप देख लें फेडरल रिजर्व जो है वो भी दे मेक मिस्टेक्स, यू नो गवर्नमेंट्स मेक मिस्टेक्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स ट्रेडिंग कंपनीज मेक मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। बॉटम लाइन ये है कि उसमें आपकी मिस्टेक्स कम से कम होनी चाहिए और अच्छे गैसेस जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, और वो एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। ये कैंडल लाइट डायग्राम क्या एक्सप्लेन कर रही होती है? हाँ, जो अभी आई डोंट वांट टू गो टू टेक्निकल ऑन दिस, आई विल गो टेक्निकल ऑन दिस इन अनदर वीक और सो। ठीक है, तो इसकी डिटेल क्या है, ये जो विक उसकी नजर आ रही है, विक का मतलब होता है जैसे मोमबत्ती की वो नहीं होती है, धागा जो उसके अंदर होता है, तो उसको विक कहते हैं। तो ये विक, उसकी विक की लेंथ का क्या मतलब है, ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, ग्रीन हो, रेड हो, तो इन सब की अपनी अपनी टेक्निकल मीनिंग्स हैं। आई विल गो थ्रू दीज यू नो एज वी प्रोग्रेस थ्रू दिस। राइट नाउ आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड के ये अप एंड डाउन मूवमेंट के अंदर योर गोल इज टू आइडेंटिफाई के बॉटम कहाँ पे है और अप कहाँ पे। जो बॉटम होता है उसे सपोर्ट लेवल कहते हैं, जो ऊपर का लेवल होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल अभी आई नो कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है कि यू डोंट नो कि क्या होगा, लेकिन उसके लिए टेक्निक्स हैं। मसलन यहाँ पे अगर खड़ी है ये, तो देर आर ओनली थ्री थिंग्स दैट कैन हैपन। ये प्राइस लेवल खड़ा है यहाँ पे, ओनली देर आर ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज दैट दिस विल रिजल्ट इन। या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, या नीचे की तरफ जाएगा, या ये स्टेबल हो जाएगा, राइट? दीज आर दी ओनली थ्री ऑप्शंस। हाउ डू यू डिटरमिन बेस्ड ऑन द प्रीवियस पैटर्न्स के आगे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो देर आर स्टैटिस्टिकल टूल्स दैट विल हेल्प यू मेक दोज डिटरमिनेशन। देर आर पैटर्न्स दैट वी कैन आइडेंटिफाई, आई विल टॉक अबाउट दोज पैटर्न्स एज वी गो अलोंग, बट अगर मैं अभी जाऊंगा तो इट विल बिकम टू टेक्निकल एंड लोग परेशान हो जाएंगे। तो अभी give it this week, give this week in practicing to purchase and sell shares and see what happens without any analysis, just like a layman के क्या बनता है। एक strategy जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि अभी फिलहाल जैसे Dow Jones का जो Dow Jones की जो list है 30 की, I would like you to go ahead and buy 10 shares of each of these company. You know, हर कंपनी सिवाय उन कंपनियों के जिनके बारे में आपको पता है कि we don't want to trade. So for example, मैं personally American Express have anything related to bank, credit card, उसमें सूद इन्वॉल्व होता है, तो I will not trade those types of companies. इसी तरह से food companies हैं, Walmart हो गई, McDonald हो गया, you know, I will not trade in those because they sell alcohol and pork and all sorts of other things. Lekin agar koi company hai jaise Microsoft hai, Coca-Cola hai, Cisco hai, Boeing ho gayi, Caterpillar ho gayi, you know, those types of companies, I would like you to go ahead and buy 10 shares in each of those companies and observe what happens to the overall portfolio and overall pricing of your portfolio. Portfolio क्या होता है? Portfolio क्या market trends क्या चल रहे होते हैं, क्या चीजें इसमें? क्या कहा आपने? एक computer पे
I'm sorry, I'm not hearing you. Say that again. Okay. So abhi filhal jo hai aap yehi kaam kijiye ke go ahead buy start trading understanding ke abhi aapke paas wo sara skill set nahi hai maujood wo skill set it'll come with time and with experience and with as the classes go on lekin matlab this is where we are again going back कि ये डेटा किस तरह से पढ़ना है आपने सुबह 9 बजे 9:15 बजे खोला ये पेज तो आपको यहाँ पे नजर आ गया कि इंडिसेस आर डाउन स्टॉक मार्केट इज डाउन उसमें फर्दर अगर आप नीचे जाएंगे तो वर्ल्ड मार्केट्स में आज क्या हुआ आज सारा इट वाज अ ब्लड बाथ टुडे के सारी की सारी मार्केट जापान से लेके जर्मनी इंग्लैंड तक एवरीबडी जो थी वो देवर डाउन जापान जो थी वो एक्चुअली only 0.07% down lekin jaise aap west ki taraf aana shuru hote hain to wo 0.07 jo hai germany ka 0.5% increase ho gaya tak pahunch gaya england aur germany mein wo 2.40 2.22 level tak pahunch gaya right to they have gone down acha uske baad ab ye live jo hai us ke andar wo ye situation chal rahi hai ki us mein market jo hai is for 423 points down hai aaj is waqt right now to dow ke index ke andar to jab market down hoti hai to ye kis cheez ka time hai kya karna chahiye aapko buying karni chahiye this is the buying time acha mera ek question aur hai ki jab hum log ye paper money account hote hai iska impact jo real accounts hote hai un par bhi padta hai ki nahi padta kyunki ye नहीं मेरा मतलब ये है पूछने का मकसद ये है कि उसमें जो अप्स एंड डाउन यानी जो डिमांड एंड सप्लाई है जब हम वहां से शेयर पेपर मनी वाले उठाते हैं लाखों अकाउंट्स बने हुए होंगे उसका इंपैक्ट जो उनके एक्चुअल शेयर्स होते हैं उस पर पड़ता है कि नहीं पड़ता प्रॉफिट चाहे हमें नहीं आता नहीं अच्छा नहीं उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है सिर्फ सिमुलेटर है अच्छा सिमुलेटर है ठीक है यानी इसका डिमांड एंड सप्लाई से भी कोई ताल्लुक नहीं एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई वही चल रही है जो हकीकी मायनों में जिनके अकाउंट होल्डर हैं वहां पे अगर डिमांड एंड सप्लाई बढ़ रही है तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो चीजें हो रही हैं और हमारे जो चीजें जो हम लोग कर रहे हैं पेपर मनी पे उसका कोई वर्थ नहीं है वर्थ तो वैसे ही नहीं है ना वो तो पता अंडरस्टैंड है लेकिन उसका उस चीज से भी कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर हमने इतने खरीद लिए लाखों तो या बेच दिए तो उसका उन पे असर नहीं पड़ा ऐसे ही है तो एक्चुअल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है इसका लेकिन आपको जो इम्पैक्ट उसका दिखा रहा है वो इम्पैक्ट मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अगर आपका एक्चुअल अकाउंट होता तो तकरीबन यही होता यानी उसमें डिफरेंस और सिमुलेटेड उसमें डिफरेंस जो बहुत मामूली सा कोई डिफरेंस होगा क्योंकि जाहिर बात है अगर आप एक्चुअल मनी से खरीद रहे हैं तो उसका एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई पे इम्पैक्ट हो रहा है आपके उससे नहीं हो रहा लेकिन इन एन इकॉनमी जहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की रोजाना की ट्रेड हो रही है 1 लाख की ट्रेड जो है उसका कोई मीनिंग नहीं होता तो इसलिए चाहे वो रियल हो या पेपर मनी हो 1 लाख के अकाउंट से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने लगा एक्चुअल मार्केट को अच्छा दूसरा ये है कि जब आप एक्चुअल अकाउंट के थ्रू आप परचेज कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं तो मिलीसेकंड के फर्क से जब आप कमांड देते हैं तो उसके जाने आने में अगर वो $2-4 का फर्क पड़ जाता है ऐसा होता है कि इतना फर्क पड़ जाता है $10-10-20-20 का पर शेयर में जी हो सकता है यस अच्छा हो सकता है मिलीसेकंड्स में भी बिल्कुल ठीक तो अभी मैंने आपको लेवल 2 डेटा इसका नहीं दिखाना शुरू किया लेवल 2 डेटा होता है जिसमें और ज्यादा डिटेल आती है जिसमें एक्चुअली में सामने लिखा हुआ होता है कि जो ये जो यहाँ तो वॉल्यूम खाली आ रहा है ना तो ओके अभी मैं आपको डिटेल नहीं दिखाऊंगा उसकी कि किस तरह से करना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाऊंगा लेकिन फिलहाल मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ गिव मी वन सेकंड ये खुलता है तो यहाँ लेवल 2 डेटा जो है वो दिखा रहा है उस लेवल 2 डेटा के अंदर
let's go to chart and go to our favorite example of Boeing. तो ये बोइंग का यहां पे अगर आप देखें तो ये सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ऑटोमेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। अच्छा अभी इट्स स्टिल पुलिंग दैट डेटा। तो यहां आप देखें तो ये मुख्तलिफ ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ये 183 नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। ये अभी डेटा यहाँ पे आता है तो ये बिड प्राइस और एस्क प्राइस। बिड प्राइस का ये है कि जो खरीदने वाले जिस कीमत पे खरीदना चाहते हैं, और ये आगे से एस्क प्राइस उसकी, ये डेटा आप पुल हो गया अभी। अभी ये डेटा मजीद आ रहा है, ये देखें, एस्क साइज, नाउ शेयर, एक्सक्यूज मी, ये 10 शेयर का लगा हुआ है, 13 का 183 पे। इसी तरह से खरीदने वालों में ये देखें, 5 शेयर को खरीद, 10 शेयर को खरीदना चाह रहा है। ये डेटा जो एक्चुअल प्राइस इस वक्त चल रही है 182 उसके आसपास अगर देखें तो ये छोटे वॉल्यूम के हैं। लेकिन अगर आप ऊपर नीचे की तरफ जाएं, अभी ये डेटा अभी भी पुल हो रहा है, तो साइज जो है बढ़ता जाता है, क्योंकि जहां पे लोग समझेंगे कि सपोर्ट लेवल है वहां पे वो लोग ज्यादा खरीदना चाहेंगे, अक्सर लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए होंगे। इसी तरह से आस्क और बिड, ये जो आस्किंग प्राइस है उसके ऊपर भी जब हायर होगा 195, 200 के करीब, बहुत लोग बेचना चाह रहे होंगे, सो दैट दे कैन मेक देयर, दे कैन टेक देयर प्रॉफिट्स। तो दो सवाल है यहाँ पे। एक तो क्या हम देख सकते हैं कि लोगों ने कितने के ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, नंबर एक, और नंबर दो, इसमें कितना डिले होता है डेटा जो हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं और एक्चुअल मार्केट से? जो आप डेटा देख रहे हैं वो तकरीबन 15 मिनट्स डिले है। जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त ये बिल्कुल रियल टाइम डेटा है, ठीक है, इसमें कोई डिले नहीं है। तो उसकी वजह क्या है कि आपका एक्चुअल अकाउंट है और हमारा अकाउंट है? हाँ, मेरा पेपर मनी अकाउंट नहीं है, मेरा एक्चुअल अकाउंट, उसकी वजह हमारा एक्चुअल हो जाता है तो फिर हम भी रियल टाइम में देखेंगे कि वो exactly, yes. ठीक है, अगर आपका एक्चुअल अकाउंट है तो आप रियल टाइम में देखेंगे, रियल टाइम में देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से कई और डेटा पॉइंट्स हैं जिनको मैं देखता हूँ। एक उनमें एक डेटा पॉइंट होता है RSI का। RSI कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो होता है वो 0 से 100 के दरमियान होता है। अगर कोई वैल्यू बहुत ऊंची है, जैसे इस वक्त एट दिस प्राइस पॉइंट इसका रिलेटिव इंडेक्स जो है बहुत हाई है, 76 के करीब इसका रिलेटिव। जब 70 से ऊपर होता है तो उसका मतलब है कि वो बेचने का टाइम है। अगर 30 से नीचे आ जाता है तो उसका मतलब है ये खरीदने का टाइम है, अंडर वैल्यू है। लेकिन ये सारी चीजें बदलती हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह के चार्ट को देख रहे हैं। मैं 3 मिनट का 1 day 3 मिनट चार्ट देख रहा हूँ, राइट। अगर मैं इसी चीज को 5 day 5 मिनट का चार्ट करूं तो वही लेवल जो मुझे यहाँ कह रहा है कि ये मुझे यहाँ पे खरीदना चाहिए, राइट। अगर मैं इसको बढ़ा के 180 डेज पे ले जाऊं तो देखिए ये 40% के करीब इसका रिलेटिव इंडेक्स है। तो 40% पे तो अभी इट्स नॉट वर्थ इट कि मैं बाय करूं इसको, तो क्योंकि अब ज्यादा डेटा की बेसिस पे वो एनालिसिस कर रहा है। लेकिन लाइक आई सेड, आप किस तरह के ट्रेडर हैं, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो ये डेटा आपके लिए गुड इनफ है। अगर आप स्विंग ट्रेड होती है कि आपने कोई चीज खरीदी है और आप उसको 3-4 दिन 5 दिन हफ्ता 2 हफ्ते रखना चाहते हैं फिर बेचेंगे, तो दैट बिकम्स अ स्विंग ट्रेड। डे ट्रेड क्या होती है कि आपने आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, ठीक है, तो वो स्विंग, वो डे ट्रेड बन जाएगी। और फिर उसके अलावा बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस होती हैं कि आपने लेके रख दिए, अगले साल 2 साल तक आपने कुछ नहीं किया, उसको टच नहीं किया। मसलन अगर आपने $1,000 के शेयर्स खरीदे होते 1998 में अमेजॉन के, तो आपको पता है आज उसकी कीमत कितनी होती? आपने उसको बेचा नहीं, कहीं पे भी कोई मजीद ऐड भी नहीं किया, बस वही 1,000 डाला और छोड़ दिया अमेजॉन का 1998 में।
22 साल बाद आज उसकी कीमत तो तकरीबन $20 मिलियन के करीब होती उस 1000 की, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, मतलब रिटायरमेंट अकाउंट टाइप सिचुएशन कि बस आपने डाल दिया, आपने उसको टच नहीं करना अगले 10-15 साल तक। तो दिस इज टाइम होराइजन जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ घंटों के लिए करना चाह रहे हैं, कुछ मिनट्स के लिए करना चाह रहे हैं, या कुछ सेकंड्स के लिए करना चाह रहे हैं, या कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या कई सालों के लिए। तो दैट इज ऑल्सो, पोर्टफोलियो जो है कभी भी एक तरह का नहीं होना, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। एक तो डाइवर्सिटी ऑफ स्टॉक्स, ताकि अगर कोई एक कंपनी नीचे जा रही है तो और बाकी कंपनियां ऊपर जा रही हैं, तो यू शुड बी इन्वेस्टेड इन मल्टीपल कंपनीज, ताकि आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है ऊपर जाता रहे। इसी तरह से एक स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि आप हर वक्त, किसी भी वक्त, कम अज कम 1/3 जो है अपना कैश में रखें, ताकि अगर कोई बहुत अच्छी इनक्रेडिबल बाइंग सिचुएशन बनती है तो आपके पास खरीदने के पैसे मौजूद हों। अगर मार्केट जो है बहुत ज्यादा ऊंची चली जाती है तो एटलीस्ट आपका जो 2/3 जो इन्वेस्ट हुआ था उसकी वजह से आपको पॉजिटिव उसके इम्पैक्ट भी नजर आए। तो किसी भी वक्त इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि पूरे का पूरा पैसा जो है वो स्टॉक्स में लगा दिया जाए। तो हमेशा 2/3 लगा हुआ आना चाहिए, 1/3 जो है वो कैश में रहना चाहिए। तो दोज आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, वी विल टॉक अबाउट दोज स्ट्रैटेजीज एज वी गो अलोंग। Of course, there could be exceptions to those rules. Agar market bahut zyada niche chali jati hai, aapne mazid shares khareed liye us waqt, to theek hai, at that point if you lekin khaas taur pe jab gayi hui hoti hai to us waqt to aur bhi bahut important hota hai ke, because if it has gone up, physics ka simple sa principle hai na, and anything that goes up must come down. तो मार्केट जब बहुत ऊंची जाती है तो उसको पुल बैक भी होती है। तो अगर आप पूरा 100% इन्वेस्टेड हैं तो जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो एनीवे, विल कंटिन्यू टू टॉक अबाउट दिस। तो आज का जो लेक्चर है वो वी आर ऑलरेडी ओवर लिमिट। अगर इस वक्त कोई आप, इफ यू गाइस वांट टू शेयर योर स्क्रीन, शो मी एंड गेट सम फीडबैक, तो आई एम रेडी। लेट मी नो whoever would like to start. So Navid, I can go first. That I have done, just a quick share, you know, show us the monitor tab and let us see where you are. Uske baad next volunteers, will please be prepared, just show your screen quickly so we know what you're doing. और अब बात यह कि कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहें, क्लास नहीं भी हो रही तो कंटिन्यू टू ट्रेड, सो यू कैन कंटिन्यू टू गेट प्रैक्टिस। गो टू मॉनिटर टैब। श्योर। ओके, टेल मी अबाउट योर पोजीशंस। सो रवि भाई, आई एज आई डिस्कस्ड, एप्पल के शेयर्स जो थे वो मैंने गलती किए की कि एट द स्टार्ट ऑफ द डे, मैंने अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो बेल रिंग नहीं हुई थी, मैंने पहले से अपने ऑर्डर्स लिमिट के साथ प्लेस कर दिए थे। बट व्हाट हैपेंड, इट स्टार्टेड फ्रॉम, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट डे प्राइस, इट स्टार्टेड फ्रॉम आई थिंक 10% मोर प्राइस। हुआ ये कि मेरे जो सेल ऑर्डर्स थे वो तकरीबन 15-18 मिनट्स के बाद हिट करने स्टार्ट कर दिए। तो आई वेंट इनटू अ शॉर्ट पोजीशन, तो एंड देन इट वेंट अप एंड अप एंड अप। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जो मेरे सारे सेल्स के डिफरेंट लैडर के साथ ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे लूज होते गए। इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको जल्दी से वो चार्ट दिखा दूं भाई। ओके, गो अहेड। दिस इज अ MS50। नवीद भाई, ये थे, दिस इज PPT, अपोलॉजीज, ये एप्पल है। पता नहीं इस चार्ट को क्या हो गया भाई, मेरे ख्याल से मुझे ही नहीं पता इसको नीचे किस तरह करना है भाई। अच्छा ठीक है, I can see, हाँ ये नीचे की तरफ पुल करें ना उसे, साइड से एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस नहीं, ऊपर की तरफ लेके जाए, ऊपर की तरफ भाई, वो फिर ऊपर चला जाता है स्क्रीन से। मैं इसको थोड़ा सा, can you hear me? जी जी, yes I can hear you. Go into studies, click on the studies. Studies. Mm-hmm.
remove some of the study that you put last one, MACD. Yep, this one, remove it. Mm-hmm. Apply. Apply. There you go. So Kashan abhi kafi aage chale gaye, matlab he's actually putting studies on it. We'll talk about these studies in the next few weeks. So it starts to make the chart look a little bit more complicated. But jab aap padhenge iske bare mein, when we discuss this, you'll see it's not as complicated as it looks right now. So go ahead, Kashan. Navid, what happened ke mere jo sare buy orders the wo sab ke sab last day ke price pe lage hue the jo ke main aapko dikhata hu is level pe thi, which was around 357. To mere sare yahan pe lage hue the between 357 and 359. Hua ye ki jab wo stock ne start kiya, wo start hi usne meri buying price se above kiya, to I was already shorting it, yani ki mera to khayal tha ki main yahan pe sell kar dunga. And then I'm sorry, I will buy it over here and I'll sell it over here. Hua ye ke obviously the opposite happened, aur meri position bahut short ho gayi apne. Kind of panic ki ab mera itna zyada loss ho gaya, to ab kya hoga? So what I had to do is to wait, aur jahan pe maine yahan par lagaye hue the wo sare ke sare buying orders jo hain wo cancel kiye, aur phir yahan par lagaya ke jaise wo niche aate hain and the loss is minimal, come out of the trade. To yahan par hua. Ye Apple tha. Or really quickly on the other stock that I traded yesterday was this one. Isko bhi main aapko bada karke dikha deta hu. Isme bhi mere sath bhai exactly same cheez hui, and I've learned a lot ke until unless I haven't bought it, don't put the limit orders on the selling it. Kal yahi hua bhai jo mere sath Apple mein hua hai. Ab maine yahan pe short kar diya tha kyunki mujhe jo lag raha tha ki ye yahan tak jayega. Phir jo aapne news batayi thi usme different analysts were saying it will try to hit 274. Right. That's the target price. So I maine bajaye 274 ka, I don't want it to be really greedy. So I maine usko ye kiya tha ki I did it in these pricing. 272, 268, 272, 271. Isme maine apne selling orders pehle se laga diye the. Buying orders mere idhar niche lage hue the. Wo us pe hit hi nahi kiya jab day start hua. Then what I did, I ended up starting selling it over here. And a few of them today as well. Okay. Ye tha bhai. Theek hai. Theek hai. I'll go back to monitor tab. Ji bhai. So you have made about $1,262 as of right now. Right? Your total profit. Bhai, ye kitna likha hua hai? Acha ye wala. Sorry, ye. This one? The overall profit loss year to date, $1,800 actually. $1,800. You have already made $1,800 in 3 days. So and aur ye to abhi you're still starting out, right? So so imagine ke if you have some experience, you can start to do a lot better. So continue this course. Actually, if you're still interested, we'll see ke how do we keep you, how do we get you access to a system ke jahan pe tum actually me trade kar sako in cheezon ke upar, but show me that you can continue to make progress on this. Sure bhai, I'll trade today as well. Yeah, thank you. Okay, next. Zaman, you want to try? ये एक्चुअल है. ओके. मैं चीजों को ज्यादा कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा इसमें. आप मुझे ये बताएं कि मैंने मेरे ख्याल में $608 गालिबन कमाए हैं. आप $600 कमा चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि आपका पोर्टफोलियो जो है बहुत छोटा है. सिर्फ आपके पास एयरबस और आईबीएम मौजूद है. मार्केट जो है ओवरऑल अगर आप देखें तो कितना 400 कुछ पॉइंट्स पे खड़ी है ना, कितनी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स नेगेटिव में खड़ी है. तो ये छोटा सा ये लॉस जो है ये रिकवर हो जाएगा जब मार्केट रिकवर करेगी. तो लेकिन इस टाइम पे
खरीदने का टाइम है पोर्टफोलियो में कम अज कम इतने होने देखें, अगर आप एक वक्त में 5 से कम शेयर्स में डील कर रहे हैं ना तो आप अपनी कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे। सही, कम अज कम 5 शेयर आपको डील करने चाहिए डेली बेसिस पे। लेकिन अगर आप 9 से ज्यादा कर रहे हैं डेली बेसिस पे तो देन टू मच इंफॉर्मेशन आपको हैंडल करनी पड़ेगी। तो कीप इट बिटवीन 5 to 9 ओके। तो इतने उससे फिर आपको मैक्सिमम एक्सपीरियंस आता है कि वो इंफॉर्मेशन इतनी होती है कि जिनको इंसान जिसको इंसान कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, इसी तरह से आपने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाए हैं और कंप्यूटर बंद कर दिया, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है आपके पास, तो वो लिमिट ऑर्डर्स फिर भी चलते रहेंगे। अच्छा, लिमिट ऑर्डर चलते रहेंगे। वो लिमिट ऑर्डर आपके अकाउंट के साथ, तो आपने बेशक कंप्यूटर बंद कर दिया है, आपके अकाउंट में वो सेटअप थे, जैसे ही वो कीमतें उसको मिलेंगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे ऑर्डर्स। अच्छा, अभी 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 अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो बाय मैंने किया हुआ 500 शेयर्स, ये मैंने लिखा था 18.08 पे, right. तो ये अभी तक बाय नहीं हुए। नहीं, और ये फील्ड ऑर्डर है, ये फील्ड ऑर्डर है, ये फील्ड ऑर्डर है। तो ये नीचे किस लिए आ गए हैं ये? अभी ये यहाँ पे लॉस और लॉस भी शो कर रहे हैं। ये ऑर्डर फिल हो गया है। अच्छा, फुल फिल हो गया है। 18.08 पे लगाया था लिमिट प्राइस पे, लिमिट प्राइस पे वो उस प्राइस पे आया है और उससे भी नीचे चला गया है। तो इसलिए जैसे ही आपकी लिमिट प्राइस हिट हुई है उसने 500 उठा लिए, खरीद लिए, ये लिखा हुआ है क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ से रिमूव नहीं हो जाना चाहिए जो ग्रीन वाला टैब है? ये फिल्ड ऑर्डर है, ऊपर देखे ना। अच्छा, उस कॉलम को देखें कि ये आज के फिल्ड ऑर्डर, उसके ऊपर है वर्किंग ऑर्डर, नीचे फिल्ड ऑर्डर। ठीक है, यानी फुलफिल हो गया ये। ठीक हो गया, एग्जैक्टली ठीक हो गया। अच्छा, वो ऐसे था ना, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कोई ज्यादा हार्डली, कल मैं 10-15 मिनट बैठा हूँ तो वो मैंने शेयर किए, लेकिन इंटरेस्टिंग है बड़ा। तो मैं अगर इस पे टाइम दे तो पैसे कमा सकता हूं। अगर आप अगर आपने 10-15 मिनट में $584 कमा लिए जी जी, तो इमेजिन अगर आप पूरा 8 घंटे लगाए मार्केट जब तक खुली है। हाँ नहीं, बिल्कुल, काफी अपॉर्चुनिटीज है। और ये अभी मार्केट मुसलसल डाउन जा रही है, मतलब मंडे को भी डाउन थी, आज भी डाउन है, और आज तो बड़ी सिग्निफिकेंटली डाउन है। अगर डाउन मार्केट में भी आप पैसे बना सकते हैं तो यू कैन इमेजिन कि जब मार्केट ऊपर जाएगी, तो जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, जब उसे मार्केट के ऊपर जाने को कहते हैं बुलिश बिहेवियर। तो बुलिश बिहेवियर जब होता है तो उसमें तो हमारे पास जोक में कहते हैं कि खोती रेडी वाले को भी स्टॉक उठा के दे दें तो वो भी पैसे बनाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो आजकल की मार्केट जो है बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है कि मुसलसल नीचे जा रही है और उस नीचे जाती हुई मार्केट के अंदर पैसे बनाना गुड थिंग। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। राहिल, यू वांट टू ट्राई? Sorry, Dr. Sobha, I couldn't share anything because I've not been able to do anything at all since. Rahil, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नहीं, concepts जो हैं वो clear नहीं होंगे, क्योंकि जी मैं समझ रहा हूँ। ये चीजें mistakes करने से समझ आती हैं। तो if you are actively trading, you are learning. If you are not actively trading, फिर ये class बहुत boring हो जाएगी आपके लिए। जी ठीक है, sure. तो continue to this. Okay, और कौन करना चाहता है? यार मोहम्मद, are you ready? Would you like to share something? Yes, yesterday I tried and I bought some sell, but unfortunately I don't know, I'm not able to log in this in software, because I was trying, I don't know, just I log out and now I'm trying, I don't know, I'm using the same password and username, but I'm not able to log in again. Acha, chale, khair, wo masla aisa hai ki wo aap, I'm sure ki aap usko solve kar sakte hain. Let me know if you need help, mujhe message karte hain. Sure, I will try after class, actually might be figure out the problem actually. So yeah. Okay, Mehroz. And just I let you know, yesterday I bought the shares from Apple, and I try, and also I try Zoom actually. Zoom, I bought the some share from the Zoom. Okay, okay, good. So keep an eye on Zoom because jab tak pandemic ki situation khadi hai to Zoom ki prices, you've seen it, they've already gone up. Lekin jaise hi ease hona shuru hongi,
रिस्ट्रिक्शन तो यू कैन इमेजिन कि Zoom की प्राइस नीचे भी बहुत सिग्निफिकेंटली आ सकती है अगर लोगों को नहीं चाहिए वो. ओके महरोस बख्त सुहेब यू आर अप नेक्स्ट. अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई. नवीद भाई आई एम इन अ प्रोसेस फ्रॉम ट्रांसफरिंग माय अकाउंट फ्रॉम रॉबिनहुड टू थिंकोरस्वयं. सो महरोस यू आर इन द यूएस राइट? यस यस. अभी उन्होंने मेरा थिंकिंग सेम दे उन्होंने कहा भी अब यूज ना करें अभी उन्होंने लाइक अकाउंट होल्ड पे किया हुआ है मेरा. हेलो यस. हाँ जी नवीद भाई उन्होंने अकाउंट मेरा होल्ड पे लगाया हुआ है क्योंकि मेरा अभी जो अकाउंट है वो रॉबिनहुड से वो थिंकिंग सेम पे ट्रांसफर हो रहा है ट्रेडी मेरी ट्रेड पे. नहीं ठीक है महरोज आई अंडरस्टैंड. तो आई मूव्ड ऑन टू बख्त. ओके Okay, Suhaib, you're up next. Turn off. Okay, Bakht is sharing. Okay. Bakht, aapka microphone nahi chal raha kya? अच्छा चलें. ओके अमेरिकन एक्सप्रेस है शेवरॉन है डिज्नी कोका कोला फाइजर एंड वराइजन दीज आर द कंपनीज दैट ही हैज. कोका कोला एंड फाइजर में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट है और आज के दिन में और ओवरऑल भी टोटल ओवरऑल लॉस जो है 354,000 का लॉस हो चुका है अब तक. तो टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी 9,000 से कुछ नहीं. टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? हेलो या बख्त गो अहेड. एक्चुअली नवीद भाई मैंने काफी सारी परचेजेस करनी थी और कोका स्टॉक उठाया था क्योंकि उसका कंपैरेटिव शेयर जरा सस्ता था तो 245 का था तो मैंने काफी सारा उसका स्टॉक उठा लिया. बेसिकली उसके पीछे आइडिया ये था कि ये 45 का है तो इसके पीछे दो रुपए भी बढ़ते हैं तो मैंने उसका गुड टू कैंसिल का वो गुड टू कैंसिल का ऑर्डर उसके ऊपर सेल का ऑर्डर भी लगा दिया था लेकिन मेरी अभी सेल भी नहीं हुई क्योंकि उसकी वो प्राइसेस अचीव नहीं हुई जो एक्चुअली मैं मांग रहा था उसकी. तो ठीक है कोई बात नहीं. आपका अभी $367 का टोटल ओवरऑल लॉस दिखा रहा है पिछले तीन दिनों का. जी एक्चुअली फ्लक्चुएट कर रहा था थोड़ी देर पहले ये 250 भी था और मतलब है कि अगर मैं डे ट्रेड करता तो शायद उसके ऊपर कुछ अर्न कर लेता लेकिन डे ट्रेडिंग नहीं कर रहा तो दैट्स व्हाई उसके ऊपर ये लॉस होता है. कोई बात नहीं. ओके कीप ट्रेडिंग. सुहेब गो अहेड प्लीज. ओके सो आर यू गाइस रिसीविंग? यप. ओके So I just bought Home Depot, IBM, Intel, and PG. So you show a overall loss of $635. लेकिन ये है कि you are trading very well, right? So you've got a lot of shares. Lyft का कुछ ज़रा ज़्यादा है. See companies like Lyft and Uber, these companies stocks बहुत ऊंचे चले जाते हैं इन कंपनियों के जैसे ही कोई अच्छी न्यूज आती है कि मार्केट जो है वो खुलने लगे. आई मीन पेंडेमिक की सिचुएशन कुछ बेहतर हो रही है लेकिन जैसे ही न्यूज आती है कि अब अभी नहीं अच्छी सिचुएशन तो उसका क्या मतलब होगा कि लोग लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे राइट. लिफ्ट इस्तेमाल नहीं होगी ऊबर इस्तेमाल नहीं होगी तो उसका उससे क्या होगा उसकी प्राइस कम हो जाएगी राइट. तो अगर तो आप उसको रख के बैठे हैं स्विंग ट्रेड के लिए तो दिस इज अ गुड टाइम टू बाय राइट. के सस्ते दामों मिल रहे हैं जैसे ही कोई अच्छी खबर आएगी तो आई एम श्योर कि उसकी प्राइस जो है काफी ऊंची जाएगी तो एट दैट टाइम लिफ्ट वुड बी वर्थ इट. और 600 शेयर का मतलब ये है कि एक डॉलर की मूवमेंट जो है ऊपर नीचे आपको $600 का इम्पैक्ट देगी. यू अंडरस्टैंड? ऐसे ही है राइट. तो अगर ये $40 तक पहुंच जाता है तो आपके 3,500 से ज्यादा इसमें बन सकते हैं राइट. लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल कि कितना टाइम लगेगा उस न्यूज तक पहुंचने में. तो आपकी एंट्रीज जो हैं वो ठीक हैं एंट्रीज में मसला नहीं है लेकिन ये कि एग्जिट पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा यू हैव टू बी वॉचफुल.
Okay. नवीद भाई क्वेश्चन है आपसे, सॉरी नवीद भाई, जो हम जो स्टार्टिंग ट्रेडर नाम जो न्यू ट्रेडर्स हैं, फॉर एग्जांपल जिनका अकाउंट नहीं होता लाइक फॉर 25K, और इसके क्या सेकंड वेव है कि हम डे ट्रेडिंग कर सकते हैं मोर देन 3 times or 4 times अ वीक? हाँ, तो अगर आप एक्चुअल मनी अकाउंट के साथ करेंगे तो कम अज कम 25,000 होना चाहिए, वरना आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा देते हैं 25,000 से कम के बैलेंस पे। तो उसमें जो सबसे बेहतर चीज़ होती है वो यही होती है कि यू शुड डू स्विंग ट्रेड्स, यू शुड नॉट बाय एंड सेल एंड द सेम स्टॉक ऑन द सेम डे। तो स्पेस इट आउट, फाइंड अ बेटर। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो बल्कि ज़्यादा पैसे बना लेते हैं डे ट्रेडर्स से। तो there's nothing wrong about it, so feel free to space out your trades in the actual money account. Okay, magar navid bhai depend karta hai ki swing trade is it depend karta hai ki hum stock apne kaise choose kar rahe hain swing trade ke liye. Of course entry point always matters. If you matlab aaj jo hai agar if the market stabilizes after today, it would be good time. आज की कीमतें जो आपको मिल रही हैं वो इससे बेहतर कीमत तो सिर्फ उस सूरत में मिलेगी अगर मार्केट कंटिन्यूस टू गो डाउन। तो आजकल की उसमें खरीद के कीपिंग इट फॉर अ वीक 10 days, यू नो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरी अपनी जो स्विंग ट्रेड के अकाउंट्स हैं उनमें मेरी परसेंटेज जो है प्रॉफिट परसेंटेज 25% 26% के करीब रहती है। जो डे ट्रेड्स के हैं उसमें हार्डली 12% 13% पे पहुंचती है। तो स्विंग ट्रेड जो है उसमें कोई मुजायके की बात नहीं है। इट्स अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग एंड बेनिफिटिंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट विद मिनिमल टाइम कमिटमेंट। Okay, Yahya, Dr. Sanghi. Okay, Sarish, would you like to share Sarish or Kamran? Imran bhai, you are up next. Go ahead, Kamran, share your screen, please. Okay, $828 profit in the last 2 days, carrying 50 shares of Apple and 100 shares of Nikola. Nikola mein kaise acha trade acha kitne ka kharida hai? 70 pe kharida aapne, 70 63 pe. Acha nahi, kya kiya aapne? Bech diya use. Okay, शॉर्ट करके बैठे हैं। तो लाइक आई सेड, डोंट शॉर्ट इट, नॉट अ स्टॉक लाइक निकोला इज हैज अ लॉट ऑफ मोमेंटम राइट नाउ। तो नीचे जा तो सकता है लेकिन ये कि ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है अभी फिलहाल। तो डोंट शॉर्ट इसको, जैसे ही मौका मिलता है कोई अच्छी एंट्री पॉइंट मिले तो खरीद लेना जिसमें नुकसान ना हो रहा हो। बेच दिया, ओके, $149 बने हैं उसमें। ओके, गुड। नवीद भी क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। नवीद भी, अगर कोई शेयर अगर उस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल निकोला स्टार्ट हुआ था 35 से, राइट, और वो 90 पे टच कर गया था, उसके बाद उसने फिर बाउंस बैक किया और फिर उसने लाइक वो अप ट्रेंड पे हुआ है। एक दफा जो शेयर 90 पे टच कर जाए वो दोबारा उस चीज पे टच करता है कि नहीं करता है? किसी भी है ना, वो रेजिस्टेंस लेवल है ना, रेजिस्टेंस लेवल है। इट कैन वेरी वेल गो अप टू 90, लेकिन वो एक अचानक झटके में 90 तक पहुंचने के चांस कम होते हैं। तो कई बीच में रेजिस्टेंस लेवल्स आएंगे, जैसे 70 जो था पिछले
पूरा हफ्ता जो था वो 70 उसका रेजिस्टेंस था, लेकिन अब जो है आज कल में ऐसे लग रहा है कि जैसे 70 उसकी सपोर्ट लेवल बन गया है और रेजिस्टेंस उसकी 75 तक चली गई है, राइट? तो उसकी जो प्राइस टारगेट है वो 80-85 के करीब भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली यू नो इट इज एक्सपेक्टेड टू टच 90, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल विद निकोला. निकोला इज नॉट अ स्टेपल स्टॉक. निकोला की कोई प्रोडक्ट नहीं है अभी फिलहाल, राइट? दे आर सेलिंग नथिंग राइट नाउ. कोई इनकी एक कार भी नहीं बिकी अभी तक. तो दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग सिस्टम्स. तो इट्स अ वेरी इट्स अ हाई रिवॉर्ड स्टॉक, बट इट इज ऑल्सो अ हाई रिस्क थिंग. तो कामरान आई थिंक दिखाना चाह रहे हैं कि $149 उन्होंने बनाए हैं टोटल उनका जो था अभी थोड़ी देर पहले 1000 के करीब भी ओवरऑल प्रॉफिट था. तो राइट नाउ इट्स $963. थैंक यू कामरान, आई अप्रिशिएट इट. मैंने नवीद में रियल मनी से ना लाइक मैंने 35 का खरीदा था, और जब ये लॉन्च हुई थी लाइक मैंने बड़ा रिस्क ट्रेड किया था इसके साथ ना, जब ये 2 जून को ये टिकर आया था मार्केट में, और ये मैंने 4 जून को मैंने बाय किया था $35 का ना, 10 किए थे मैंने बाय. ठीक है. और जैसे ये 3-4 दिन बाद ही 90 का हिट हुआ था तो मैंने उसको निकाल दिया था. ठीक किया था. उसके बाद फिर मैंने उस पर टच नहीं किया, और फिर ये 62 का किया था. मैंने सोचा था मैं दोबारा उसको परचेज कर लूं, फिर ये 73. हाँ, अभी जो है $70 जो है लुक्स लाइक के इसकी सपोर्ट लेवल बन चुका है. तो अगर आप 70 पे खरीदते हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बाउंस बिटवीन 70 एंड 75. तो यू कैन स्किम सम प्रॉफिट्स ऑफ ऑफ इट इन दैट मार्जिन. लेकिन अगर ये नीचे गिरेगा तो इसका नीचे का सपोर्ट लेवल जो है वो 60 का है. तो अगर आपने 70 पे खरीदे हुए हैं, 100 शेयर खरीदनी है और इसकी कीमत नीचे 60 तक गिर जाती है, तो दैट्स अ सिग्निफिकेंट लॉस. तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू असेस के इज रिवॉर्ड वर्थ द रिस्क. सही सही. सरेश, इमरान भाई, यू आर अप नेक्स्ट आफ्टर सरेश. ओके, सो यू हैव एन ओवरऑल लॉस ऑफ $477 राइट नाउ. यू डीलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट. यू बॉट इट एट $202 राइट नाउ. मार्केट प्राइस इज $199. V100, Nike 50, Apple 300. So you bought it at 364. Market value right now is 362. Okay. So continue to trade, Sarish. Make it a little bit more diverse. Have a few more different types of companies in here. Also see ke a pandemic ka kya asar hai in companies ke upar. तुम्हारे पास वी और नाइकी की जो है यू नो खैर वीजा तो एक तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर आ गया. तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में तो वैसे ही हमें डील नहीं करना चाहिए बिकॉज सूद की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से. तो दे डील इन इंटरेस्ट. तो नाइकी जो है पेंडेमिक की सिचुएशन खराब होती जा रही है, तो नाइकी की सिचुएशन वाई वुड यू एक्सपेक्ट कि ये अभी एनी टाइम सून कोई इम्प्रूव होगी. लॉन्ग टर्म उसके लिए करना चाह रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिनों की बेसिस डे ट्रेड करनी है, स्विंग ट्रेड करनी है, तो नाइकी इज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट स्टॉक एट दिस टाइम. तो कैटरपिलर आई थिंक यू हैव लिमिट ऑर्डर्स ऑन दैट, दैट्स फाइन. एप्पल जो है, हाँ एप्पल ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई है, लेकिन तुम्हारी एंट्री पॉइंट जो है वो 364 का था. इट्स नॉट अ बैड एंट्री पॉइंट, बट ये कि अगर थोड़ा सा इंतज़ार किया होता तो 363 पे भी ले सकती थी. तो शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, 300 शेयर्स जो हैं दैट्स टू मच वॉल्यूम. तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ी सी भी प्राइस का डिफरेंस जो है इट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल प्रॉफिट लेवल. तो ऊपर जाए तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नीचे आने की सूरत में नुकसान का खदशा भी होता है. तो you want to have
reasonable volume. Chalo, theek hai. Imran bhai, thank you. Imran bhai. Naveed bhai, mere paas to sirf mobile pe hai aaj. Us pe maine wo think or swim ko install to kiya hai. Main usko share karwata hu aur dekhen fir usko. Okay. लेकिन ज्यादा ट्रेडिंग तो आप अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं ना? मैं कर उसी से रहा हूँ, लेकिन ना आज वो असल में कोई मसले थे तो मैं आज कंप्यूटर पे बैठ नहीं सका। तो ये तो मैंने कल वैसे इंस्टॉल किया था थिंक और स्विम की जो ऐप है, है उसको देखते हैं कि इसको अभी मैं एनालाइज भी नहीं कर सका। अच्छा, ये आपकी तरफ शेयर हो गई है? नहीं नहीं हुई। अच्छा, ड्रा ओवर अदर एप्स। मेरा ख्याल है कि शायद इसको मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी इसका अच्छा, चलो कोई बात इंशाल्लाह विल सी। इसको फिर देख, फ्राइडे को क्लास रखें या मंडे को मिलें? आई वुड से फ्राइडे को भी रखें भाई, इट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा चलें, ठीक है। तो अभी फिलहाल कुछ हफ्तों तक फ्राइडे को ट्राई करते हैं, लेकिन फ्राइडे का सेशन जो है उसको हम ज्यादा कॉन्वर्सेशनल रखेंगे। तो आप अपनी ट्रेड्स कीजिए, तो विल नवीद भाई एक क्विक क्वेश्चन भी है क्वेश्चन अराउंड योर क्वेश्चंस। ओके नवीद भाई, एक क्विक क्वेश्चन है, हाउ डू यू सेलेक्ट स्टॉक्स? सॉरी, गो अहेड, से दैट अगेन। हाउ डू यू सेलेक्ट स्टॉक्स टू ट्रेड? दैट्स अ वेरी गुड। So, selecting a stock usme, this is where the research part comes in. Let me share my screen. So for example, yahan dekh rahe na aap ye jo wo pre market trading ka jo link tha, यहाँ पे यू कैन सी के व्हाट इज मूविंग प्री, राइट? 9:30 बजे से पहले मैस्को कॉरपोरेशन, सेंचुरी लिंक, डीएक्सएस टेक्नोलॉजी, डिस्कवर और डिवान, दे हैव एन अपवर्ड मोमेंटम। लेकिन उस मोमेंटम के अंदर वॉल्यूम क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 209 शेयर्स के साथ का है तो फॉरगेट अबाउट दिस, डोंट इवन वरी अबाउट दिस कंपनी। Centrelink 12,000, 6,000, 7,000, I am not very keen about, these with a smaller volume. So even Divan Energy, only 43,000 shares there. Lekin chalo, let's look at Divan. So this is where you start your research. So you copy this ticker, take it to Finviz and look at this company. You see, this is a $4.74 billion company, so it's not a small company, it's quite a sizable company. It has about 1800 employees. Outstanding shares are 377 million, volume is about 3 million shares every day. So all of these are good things. Now look at short float. Only 2.82% people think that the price will go down. So that's a good thing, that not a lot of people think that the price will go down further. Look at the analyst rating. This is from neutral to buy, overweight to neutral at $6. Right now iski price jo hai wo takriban $11, 11.78 के करीब चल रही है। तो दिस एनालिस्ट इज सेइंग के अप टू $6 वाज न्यूट्रल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मेरिल लिंच $24 to $10 की रेंज है। सेल गोल्डमैन सैक्स वाले कह रहे हैं, रेमंड जेम्स मार्केट परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मर, तो लुक्स लाइक अ गुड स्टॉक। सो लेट्स लुक एट द न्यूज, व्हाट इज हैपनिंग विद दिस। जून 17th को एक न्यूज आई थी जिसमें व्हेन विल यूएस शेल रीबाउंड टू प्री पैंडेमिक लेवल,
तो ये बिकॉज दिस इज डिवान एनर्जी दिस इज प्रोबेबली अ शेल से उसका नेगेटिव 5.04% उसका इम्पैक्ट हुआ. अब ये देखने के लिए कि ये एक्चुअली में किस इंडस्ट्री के अंदर है तो राइट क्लिक ऑन दिस नेम ओपन इन अ न्यू लिंक एंड गो लुक एट द प्रोफाइल ऑफ दिस कंपनी. तो प्रोफाइल जो है वो आपको बताएगी ये राइट हियर प्रोफाइल. यहां से आपको पता चलेगा कि कंपनी किस सेक्टर में डील करती है. गिव इट अ मोमेंट राइट हियर. Devan Corporation Energy Corporation engages in the exploration, development and production of oil and natural gas properties US Canada and link it develops and operates Delaware Basin Eagle Ford heavy oil Barnett Shale right shale aa gaya to usme shale mein bhi Stack and Rockies oil. To is company ki kuch चीजें जो है वो शेल में है. सारी की सारी नहीं है मतलब इसके कई सेगमेंट्स हैं. एक सेगमेंट उसमें शेल का है. तो जैसे शेल के बारे में नेगेटिव न्यूज आई है तो इस कंपनी का स्टॉक भी 5 कंपनी का स्टॉक जो है वो डाइवर्सिफाइड कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स जो है वो डाइवर्सिफाइड है नंबर. सो अगर एक शेल जो है अगर बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं डेलावेयर बेसिन ईगल फोर्ड हैवी ऑयल ये सारी चीजें फिर भी चलती रहेंगी राइट. तो वंस दैट रियलिटी सेट्स इन तो प्राइस जो है फिर वापस ऊपर चली जाती है एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. तो आज जो ये ऊपर कितना गया है आज 0.74% ऊपर गया है. तो अब 5% ड्रॉप भी तो हुआ था दो दिन तीन दिन पहले नहीं एक हफ्ता पहले. तो 5% ड्रॉप हो गया थोड़ा सा ऊपर आया तो सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी सो आई मूव ऑन फ्रॉम दिस कंपनी. सो दिस इज वन लिस्ट. इस तरह की बेतहाशा लिस्टें मिल जाती हैं. तो आई विल गिव यू वन एग्जांपल. देयर इज दिस अदर वेबसाइट. सो दिस इज अ न्यू वेबसाइट. आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट दिस वेबसाइट बिफोर. दिस इज कॉल्ड द स्टॉक मार्केट वॉच डॉट कॉम. इस वेबसाइट पे जब आप जाएं तो आइडियाज में प्री मार्केट इसी तरह से आप आफ्टर मार्केट भी देख सकते हैं. आप डाउ जोन्स S&P किसी भी चीज को उठा के देख लें. तो अभी मैं सिर्फ प्री मार्केट को उठा के देखता हूं कि प्री मार्केट में आज क्या हो रहा था. तो दीज आर द टॉप गेनिंग स्टॉक्स एंड दीज आर टॉप लूजिंग स्टॉक्स. आई लुक एट बोथ. व्हाई आर दे लूजिंग यू नो दैट इज That is a good way of looking at it for long-term position. लेकिन यहाँ पे top gaining stocks के अंदर भी देखा जा सकता है. अच्छा अब इसमें मसला ये है कि कंपनियां जो हैं एक स्टॉक बेच के इस लिस्ट में आ जाती हैं. तो एक स्टॉक के ऊपर उनको 21.65% प्रॉफिट था तो वो they ended up in this list. So companies like these I don't worry about these companies. So, RFIL, MDIA, SBB, MNOV, Medicinovia, Kazia, Fulcrum, you know, forget about these small companies. I mean, companies with smaller volume. Don't even worry about these. Haan, jo yahan pe thi, ke this is... This is 3 million stocks pre-market mein 3 million stocks karke 159% increase hua hai. So what was this company? So this data becomes available before 9:30. So at 9:30 you should be ready. So iska next step jo hoga wo ye hoga ki main isko Finviz mein leke jaunga. Finviz mein I want to see ki kya kaun si aisi news aayi hai iske bare mein ki jiski wajah se is कंपनी की स्टॉक वैल्यू जब इतनी ऊपर चढ़ गया. अच्छा ओके इसका टिकर ही वो डेटा ही अवेलेबल नहीं है. तो लेट्स लुक एट अप इन हियर. IPDN ओके सो इफ दिस डेटा पुल्स अप विल लुक इनटू दैट. लेकिन लग ही रहा है कि कोई ऐसी बड़ी डील नहीं है उस कंपनी के साथ.
अगली कंपनी को देखें, इन्होंने 10 मिलियन से ज्यादा शेयर सुबह ट्रेड करे हैं, यूनहोंग सीटीआई। अब ये कंपनी जो है चाइनीज कंपनी है, आई डोंट नो इफ आई एम वेरी इफ आई हैव एन एपेटाइट फॉर इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंपनीज, लेकिन लेट्स लुक एट इट। सीटीआईबी 11 मिलियन डॉलर्स की टोटल मार्केट कैप है, इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी। 3 मिलियन के इनके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं और वॉल्यूम कुड बी 39 मिलियन। सो आई देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी हियर। टोटल शेयर्स जो हैं 3.84 मिलियन है और 39 मिलियन का वॉल्यूम है, तो दैट मेक्स इट अ लिटिल टू गुड टू बी ट्रू। न्यूज देखें अगर आप, जून 10th की न्यूज थी, अनाउंसेस चेंजेस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो हो सकता है कोई नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अब नई वो आई हो, तो जिसकी वजह से कुछ कीमतें बढ़। अच्छा, ये पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो बनाती है चीजें दिस कंपनी। लेट्स लुक एट इन थिंकोरस्विम, तो यू कैन सी कि ये $6 के हाई पे जाके अब इस वक्त जो है ये प्री मार्केट में $6 के हाई पे था, तो नाउ इट इज 3.71, राइट। सो आई वुड हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड दिस कंपनी सिंपली बिकॉज ऑफ द बिकॉज इट्स अ चाइनीज कंपनी, आई डोंट वॉन्ट टू पुट टू मच मनी, एंड देन देर वॉज डिस्क्रिपेंसी इन द डेटा, सो आई वुड हैव रिजेक्टेड दिस कंपनी। So you see what I'm doing? I'm rejecting these companies more. So that I end up with one, maybe two companies that jo promising lagen. But this involves a lot of research. So we will get to this point. I can do a lot of this research in my head now because I've done this so many times for a long period of time. Lekin ye ke I will start teaching this starting next week. Okay, how to determine which stocks to invest in. So this is just one of the ideas. You can also look at after hours. You can also look at S&P, for example, or Dow. लेकिन Dow को आप चूंकि ज़्यादा खुद closely monitor कर रहे हैं उस यहाँ पे इस watch list के अंदर, तो I feel more comfortable कि आपको जो data यहाँ से मिल रहा है, that data is more current data than this website. तो ये S&P है, S&P के अंदर most gained today, most lost today, right? So यहाँ पे you can take a look कि कौन सी companies कहाँ जा रही हैं। But again, individual companies की research करना जो है वो बहुत important है before you invest any money in those companies. Okay. Thank you, bhai. Dr. Sanghi, क्या या आपने अगर कुछ शेयर करना है तो बताइए, अदरवाइज विल कॉल इट अ डे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सांगी, आपकी आवाज नहीं आ रही। वी हैव एक्चुअली 5%, तो मैं अभी okay. बाकी को कर देता हूं। थैंक यू एवरीवन, इंशाल्लाह लेट्स मीट ऑन Friday morning. Okay, inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.